हेलो एवरीवन, इस वीडियो में आपके साथ बधाईयों फिल्म का फुल रिव्यू शेयर करने वाला हूं। साथ ही आपको बताने वाला हूं कि इस मूवी को आप कहां से और कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप भी इस मूवी को अपने फोन पर डाउनलोड करना चाहते हैं तो अगले 5 मिनट तक बने रहिए वीडियो में। दोस्तों, ये कहानी एक ऐसे दंपति की है जो एक बार फिर से माता पिता बनने वाले हैं। नकुल कौशिक यानी कि आयुष्मान खुराना की जिंदगी में तब भूचाल आ जाता है जब उसे पता चलता है कि उसके माता पिता फिर से पेरेंट्स बनने वाले हैं। और इसका असर नकुल की लव लाइफ पर भी पड़ता है, क्योंकि उसका रोमांस रेना यानी कि सानिया मल्होत्रा से चल रहा है। रेने की माँ को जब यह बात पता चलती है तो वह नकुल के परिवार को ठीक नहीं समझती। साथ ही नकुल के परिवार को इस बात को लेकर शर्मिंदगी भी झेलनी पड़ती है। लोग मजाक बनाना शुरू कर देते हैं। इस फिल्म की कहानी लीक से हटकर है, लेकिन मनोरंजन का भरपूर मसाला इसमें देखने को मिल जाएगा। फिल्म की शुरुआत धीमी है और रफ्तार तभी पकड़ती है जब नकुल के माता पिता इस बात की घोषणा करती हैं कि घर में नन्ना मेहमान आने वाला है। इसके बाद हास्य दृश्यों की झड़ी सी लग जाती है। फिल्म में केवल हास्य नहीं बल्कि इमोशन भी है। फिल्म में कई सब प्लॉट भी हैं और जरूरी नहीं है कि हर ट्रैक अच्छा ही हो। जैसे नकुल और रेने के रोमांस वाला ट्रैक कमजोर है, लेकिन फिर भी हास्य और इमोशन का मिश्रण इस फिल्म में अच्छा लगता है। कई दृश्यों में आपकी हंसी छूट जाती है। इस फिल्म का डायरेक्शन अमित रविंद्रनाथ शर्मा ने किया है और इस फिल्म के कुछ दृश्यों में उनकी पकड़ छूटती है, लेकिन ज्यादातर हिस्से में उनका नियंत्रण रहता है। उन्होंने कलाकारों से अच्छा काम लिया है जिसकी वजह से कहानी एकदम वास्तविक लगती है। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि इस मूवी को आप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो गाइस, इस मूवी को डाउनलोड करने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, या फिर आप टेलीग्राम चैनल को उसके नाम से सर्च कर सकते हैं जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने के लिए मिल जाएगा। इस मूवी का लिंक मैंने टेलीग्राम चैनल पर दिया हुआ है, आप वहां से आसानी से इस मूवी को डाउनलोड कर सकते हैं। फिल्म में आयुष्मान खुराना लगातार अपने अभिनय से चौंका रहे हैं। वे ऐसी फिल्में चुन रहे हैं जिनमें कहानी लीक से हटकर होती है। अब आयुष्मान खुराना का होना इस बात की गारंटी बन जाता है। इस फिल्म में भी उन्होंने बेहतरीन अभिनय किया है। शराब पीकर हंगामा करना, रेने की माँ से माफी मांगना, अकड़ दिखाने वाले दृश्यों में उनका अभिनय देखने लायक है। हेलो एवरीवन, इस वीडियो में आपके साथ बधाईयों फिल्म का फुल रिव्यू शेयर करने वाला हूँ। साथ ही आपको बताने वाला हूँ कि इस मूवी को आप कहाँ से और कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप भी इस मूवी को अपने फोन पर डाउनलोड करना चाहते हैं तो अगले 5 मिनट तक बने रहिए वीडियो में। दोस्तों, ये कहानी एक ऐसे दंपति की है जो एक बार फिर से माता पिता बनने वाले हैं। नकुल कौशिक यानी कि आयुष्मान खुराना की जिंदगी में तब भूचाल आ जाता है जब उसे पता चलता है कि उसके माता पिता फिर से पेरेंट्स बनने वाले हैं। और इसका असर नकुल की लव लाइफ पर भी पड़ता है, क्योंकि उसका रोमांस रेना यानी कि सानिया मल्होत्रा से चल रहा है। रेने की माँ को जब यह बात पता चलती है तो वह नकुल के परिवार को ठीक नहीं समझती। साथ ही नकुल के परिवार को इस बात को लेकर शर्मिंदगी भी झेलनी पड़ती है। लोग मजाक बनाना शुरू कर देते हैं। इस फिल्म की कहानी लीक से हटकर है, लेकिन मनोरंजन का भरपूर मसाला इसमें देखने को मिल जाएगा। फिल्म की शुरुआत धीमी है और रफ्तार तभी पकड़ती है जब नकुल के माता पिता इस बात की घोषणा करते हैं कि घर में नन्ना मेहमान आने वाला है। इसके बाद हास्य दृश्यों की झड़ी सी लग जाती है। फिल्म में केवल हास्य नहीं बल्कि इमोशन भी है। फिल्म में कई सब प्लॉट भी हैं और जरूरी नहीं है कि हर ट्रैक अच्छा ही हो। जैसे नकुल और रेने के रोमांस वाला ट्रैक कमजोर है, लेकिन फिर भी हास्य और इमोशन का मिश्रण इस फिल्म में अच्छा लगता है। कई दृश्यों में आपकी हंसी छूट जाती है। इस फिल्म का डायरेक्शन अमित रविंद्रनाथ शर्मा ने किया है और इस फिल्म के कुछ दृश्यों में उनकी पकड़ छूटती है, लेकिन ज्यादातर हिस्से में उनका नियंत्रण रहता है। उन्होंने कलाकारों से अच्छा काम लिया है जिसकी वजह से कहानी एकदम वास्तविक लगती है। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि इस मूवी को आप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो गाइस, इस मूवी को डाउनलोड करने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, या फिर आप टेलीग्राम चैनल को उसके नाम से सर्च कर सकते हैं जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने के लिए मिल जाएगा। इस मूवी का लिंक मैंने टेलीग्राम चैनल पर दिया हुआ है, आप वहां से आसानी से इस मूवी को डाउनलोड कर सकते हैं। फिल्म में आयुष्मान खुराना लगातार अपने अभिनय से चौंका रहे हैं। वे ऐसी फिल्में चुन रहे हैं जिनमें कहानी लीक से हटकर होती है। अब आयुष्मान खुराना का होना इस बात की गारंटी बन जाता है। इस फिल्म में भी उन्होंने बेहतरीन अभिनय किया है। शराब पीकर हंगामा करना, रेने की माँ से माफी मांगना, अकड़ दिखाने वाले दृश्यों में उनका अभिनय देखने लायक है।
हेलो एवरीवन, इस वीडियो में आपके साथ बधाई और फिल्म का फुल रिव्यू शेयर करने वाला हूं। साथ ही आपको बताने वाला हूं कि इस मूवी को आप कहां से और कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप भी इस मूवी को अपने फोन पर डाउनलोड करना चाहते हैं तो अगले 5 मिनट तक बने रहिए वीडियो में। दोस्तों, ये कहानी एक ऐसे दंपति की है जो एक बार फिर से माता पिता बनने वाले हैं। नकुल कौशिक यानी कि आयुष्मान खुराना की जिंदगी में तब भूचाल आ जाता है जब उसे पता चलता है कि उसके माता पिता फिर से पेरेंट्स बनने वाले हैं। और इसका असर नकुल की लव लाइफ पर भी पड़ता है, क्योंकि उसका रोमांस रेना यानी कि सानिया मल्होत्रा से चल रहा है। रेने की माँ को जब यह बात पता चलती है तो वह नकुल के परिवार को ठीक नहीं समझती। साथ ही नकुल के परिवार को इस बात को लेकर शर्मिंदगी भी झेलनी पड़ती है। लोग मजाक बनाना शुरू कर देते हैं। इस फिल्म की कहानी लीक से हटकर है, लेकिन मनोरंजन का भरपूर मसाला इसमें देखने को मिल जाएगा। फिल्म की शुरुआत धीमी है और रफ्तार तभी पकड़ती है जब नकुल के माता पिता इस बात की घोषणा करते हैं कि घर में नन्ना मेहमान आने वाला है। इसके बाद हास्य दृश्यों की झड़ी सी लग जाती है। फिल्म में केवल हास्य नहीं बल्कि इमोशन भी है। फिल्म में कई सब प्लॉट भी हैं और जरूरी नहीं है कि हर ट्रैक अच्छा ही हो। जैसे नकुल और रेने के रोमांस वाला ट्रैक कमजोर है, लेकिन फिर भी हास्य और इमोशन का मिश्रण इस फिल्म में अच्छा लगता है। कई दृश्यों में आपकी हंसी छूट जाती है। इस फिल्म का डायरेक्शन अमित रविंद्रनाथ शर्मा ने किया है और इस फिल्म के कुछ दृश्यों में उनकी पकड़ छूटती है, लेकिन ज्यादातर हिस्से में उनका नियंत्रण रहता है। उन्होंने कलाकारों से अच्छा काम लिया है जिसकी वजह से कहानी एकदम वास्तविक लगती है। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि इस मूवी को आप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो गाइस, इस मूवी को डाउनलोड करने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, या फिर आप टेलीग्राम चैनल को उसके नाम से सर्च कर सकते हैं जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने के लिए मिल जाएगा। इस मूवी का लिंक मैंने टेलीग्राम चैनल पर दिया हुआ है, आप वहां से आसानी से इस मूवी को डाउनलोड कर सकते हैं। फिल्म में आयुष्मान खुराना लगातार अपने अभिनय से चौंका रहे हैं। वे ऐसी फिल्में चुन रहे हैं जिनमें कहानी लीक से हटकर होती है। अब आयुष्मान खुराना का होना इस बात की गारंटी बन जाता है। इस फिल्म में भी उन्होंने बेहतरीन अभिनय किया है। शराब पीकर हंगामा करना, रेने की माँ से माफी मांगना, अकड़ दिखाने वाले दृश्यों में उनका अभिनय देखने लायक है। हेलो एवरीवन, इस वीडियो में आपके साथ बधाई और फिल्म का फुल रिव्यू शेयर करने वाला हूँ। साथ ही आपको बताने वाला हूँ कि इस मूवी को आप कहाँ से और कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप भी इस मूवी को अपने फोन पर डाउनलोड करना चाहते हैं तो अगले 5 मिनट तक बने रहिए वीडियो में। दोस्तों, ये कहानी एक ऐसे दंपति की है जो एक बार फिर से माता पिता बनने वाले हैं। नकुल कौशिक यानी कि आयुष्मान खुराना की जिंदगी में तब भूचाल आ जाता है जब उसे पता चलता है कि उसके माता पिता फिर से पेरेंट्स बनने वाले हैं। और इसका असर नकुल की लव लाइफ पर भी पड़ता है, क्योंकि उसका रोमांस रेना यानी कि सानिया मल्होत्रा से चल रहा है। रेने की माँ को जब यह बात पता चलती है तो वह नकुल के परिवार को ठीक नहीं समझती। साथ ही नकुल के परिवार को इस बात को लेकर शर्मिंदगी भी झेलनी पड़ती है। लोग मजाक बनाना शुरू कर देते हैं। इस फिल्म की कहानी लीक से हटकर है, लेकिन मनोरंजन का भरपूर मसाला इसमें देखने को मिल जाएगा। फिल्म की शुरुआत धीमी है और रफ्तार तभी पकड़ती है जब नकुल के माता पिता इस बात की घोषणा करते हैं कि घर में नन्ना मेहमान आने वाला है। इसके बाद हास्य दृश्यों की झड़ी सी लग जाती है। फिल्म में केवल हास्य नहीं बल्कि इमोशन भी है। फिल्म में कई सब प्लॉट भी हैं और जरूरी नहीं है कि हर ट्रैक अच्छा ही हो। जैसे नकुल और रेने के रोमांस वाला ट्रैक कमजोर है, लेकिन फिर भी हास्य और इमोशन का मिश्रण इस फिल्म में अच्छा लगता है। कई दृश्यों में आपकी हंसी छूट जाती है। इस फिल्म का डायरेक्शन अमित रविंद्रनाथ शर्मा ने किया है और इस फिल्म के कुछ दृश्यों में उनकी पकड़ छूटती है, लेकिन ज्यादातर हिस्से में उनका नियंत्रण रहता है। उन्होंने कलाकारों से अच्छा काम लिया है जिसकी वजह से कहानी एकदम वास्तविक लगती है। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि इस मूवी को आप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो गाइस, इस मूवी को डाउनलोड करने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, या फिर आप टेलीग्राम चैनल को उसके नाम से सर्च कर सकते हैं जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने के लिए मिल जाएगा। इस मूवी का लिंक मैंने टेलीग्राम चैनल पर दिया हुआ है, आप वहां से आसानी से इस मूवी को डाउनलोड कर सकते हैं। फिल्म में आयुष्मान खुराना लगातार अपने अभिनय से चौंका रहे हैं। वे ऐसी फिल्में चुन रहे हैं जिनमें कहानी लीक से हटकर होती है। अब आयुष्मान खुराना का होना इस बात की गारंटी बन जाता है। इस फिल्म में भी उन्होंने बेहतरीन अभिनय किया है। शराब पीकर हंगामा करना, रेने की माँ से माफी मांगना, अकड़ दिखाने वाले दृश्यों में उनका अभिनय देखने लायक है।
हेलो एवरीवन, इस वीडियो में आपके साथ बधाई फिल्म का फुल रिव्यू शेयर करने वाला हूं। साथ ही आपको बताने वाला हूं कि इस मूवी को आप कहां से और कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप भी इस मूवी को अपने फोन पर डाउनलोड करना चाहते हैं तो अगले 5 मिनट तक बने रहिए वीडियो में। दोस्तों, ये कहानी एक ऐसे दंपति की है जो एक बार फिर से माता पिता बनने वाले हैं। नकुल कौशिक यानी कि आयुष्मान खुराना की जिंदगी में तब भूचाल आ जाता है जब उसे पता चलता है कि उसके माता पिता फिर से पेरेंट्स बनने वाले हैं। और इसका असर नकुल की लव लाइफ पर भी पड़ता है क्योंकि उसका रोमांस रेना यानी कि सानिया मल्होत्रा से चल रहा है। रेने की माँ को जब यह बात पता चलती है तो वह नकुल के परिवार को ठीक नहीं समझती। साथ ही नकुल के परिवार को इस बात को लेकर शर्मिंदगी भी झेलनी पड़ती है। लोग मजाक बनाना शुरू कर देते हैं। इस फिल्म की कहानी लीक से हटकर है लेकिन मनोरंजन का भरपूर मसाला इसमें देखने को मिल जाएगा। फिल्म की शुरुआत धीमी है और रफ्तार तभी पकड़ती है जब नकुल के माता पिता इस बात की घोषणा करते हैं कि घर में नन्ना मेहमान आने वाला है। इसके बाद हास्य दृश्यों की झड़ी सी लग जाती है। फिल्म में केवल हास्य नहीं बल्कि इमोशन भी है। फिल्म में कई सब प्लॉट भी हैं और जरूरी नहीं है कि हर ट्रैक अच्छा ही हो। जैसे नकुल और रेने के रोमांस वाला ट्रैक कमजोर है लेकिन फिर भी हास्य और इमोशन का मिश्रण इस फिल्म में अच्छा लगता है। कई दृश्यों में आपकी हंसी छूट जाती है। इस फिल्म का डायरेक्शन अमित रविंद्रनाथ शर्मा ने किया है और इस फिल्म के कुछ दृश्यों में उनकी पकड़ छूटती है लेकिन ज्यादातर हिस्से में उनका नियंत्रण रहता है। उन्होंने कलाकारों से अच्छा काम लिया है जिसकी वजह से कहानी एकदम वास्तविक लगती है। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि इस मूवी को आप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो गाइस, इस मूवी को डाउनलोड करने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा या फिर आप टेलीग्राम चैनल को उसके नाम से सर्च कर सकते हैं जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने के लिए मिल जाएगा। इस मूवी का लिंक मैंने टेलीग्राम चैनल पर दिया हुआ है, आप वहां से आसानी से इस मूवी को डाउनलोड कर सकते हैं। फिल्म में आयुष्मान खुराना लगातार अपने अभिनय से चौंका रहे हैं। वे ऐसी फिल्में चुन रहे हैं जिनमें कहानी लीक से हटकर होती है। अब आयुष्मान खुराना का होना इस बात की गारंटी बन जाता है। इस फिल्म में भी उन्होंने बेहतरीन अभिनय किया है। शराब पीकर हंगामा करना, रेने की माँ से माफी मांगना, अकड़ दिखाने वाले दृश्यों में उनका अभिनय देखने लायक है। हेलो एवरीवन, इस वीडियो में आपके साथ बधाई हो फिल्म का फुल रिव्यू शेयर करने वाला हूँ। साथ ही आपको बताने वाला हूँ कि इस मूवी को आप कहाँ से और कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप भी इस मूवी को अपने फोन पर डाउनलोड करना चाहते हैं तो अगले 5 मिनट तक बने रहिए वीडियो में। दोस्तों, ये कहानी एक ऐसे दंपति की है जो एक बार फिर से माता पिता बनने वाले हैं। नकुल कौशिक यानी कि आयुष्मान खुराना की जिंदगी में तब भूचाल आ जाता है जब उसे पता चलता है कि उसके माता पिता फिर से पेरेंट्स बनने वाले हैं। और इसका असर नकुल की लव लाइफ पर भी पड़ता है क्योंकि उसका रोमांस रेना यानी कि सानिया मल्होत्रा से चल रहा है। रेने की माँ को जब यह बात पता चलती है तो वह नकुल के परिवार को ठीक नहीं समझती। साथ ही नकुल के परिवार को इस बात को लेकर शर्मिंदगी भी झेलनी पड़ती है। लोग मजाक बनाना शुरू कर देते हैं। इस फिल्म की कहानी लीक से हटकर है लेकिन मनोरंजन का भरपूर मसाला इसमें देखने को मिल जाएगा। फिल्म की शुरुआत धीमी है और रफ्तार तभी पकड़ती है जब नकुल के माता पिता इस बात की घोषणा करते हैं कि घर में नन्ना मेहमान आने वाला है। इसके बाद हास्य दृश्यों की झड़ी सी लग जाती है। फिल्म में केवल हास्य नहीं बल्कि इमोशन भी है। फिल्म में कई सब प्लॉट भी हैं और जरूरी नहीं है कि हर ट्रैक अच्छा ही हो। जैसे नकुल और रेने के रोमांस वाला ट्रैक कमजोर है लेकिन फिर भी हास्य और इमोशन का मिश्रण इस फिल्म में अच्छा लगता है। कई दृश्यों में आपकी हंसी छूट जाती है। इस फिल्म का डायरेक्शन अमित रविंद्रनाथ शर्मा ने किया है और इस फिल्म के कुछ दृश्यों में उनकी पकड़ छूटती है लेकिन ज्यादातर हिस्से में उनका नियंत्रण रहता है। उन्होंने कलाकारों से अच्छा काम लिया है जिसकी वजह से कहानी एकदम वास्तविक लगती है। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि इस मूवी को आप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो गाइस, इस मूवी को डाउनलोड करने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा या फिर आप टेलीग्राम चैनल को उसके नाम से सर्च कर सकते हैं जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने के लिए मिल जाएगा। इस मूवी का लिंक मैंने टेलीग्राम चैनल पर दिया हुआ है, आप वहां से आसानी से इस मूवी को डाउनलोड कर सकते हैं। फिल्म में आयुष्मान खुराना लगातार अपने अभिनय से चौंका रहे हैं। वे ऐसी फिल्में चुन रहे हैं जिनमें कहानी लीक से हटकर होती है। अब आयुष्मान खुराना का होना इस बात की गारंटी बन जाता है। इस फिल्म में भी उन्होंने बेहतरीन अभिनय किया है। शराब पीकर हंगामा करना, रेने की माँ से माफी मांगना, अकड़ दिखाने वाले दृश्यों में उनका अभिनय देखने लायक है।
हेलो एवरीवन, इस वीडियो में आपके साथ बधाईयों फिल्म का फुल रिव्यू शेयर करने वाला हूं। साथ ही आपको बताने वाला हूं कि इस मूवी को आप कहां से और कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप भी इस मूवी को अपने फोन पर डाउनलोड करना चाहते हैं तो अगले 5 मिनट तक बने रहिए वीडियो में। दोस्तों, ये कहानी एक ऐसे दंपति की है जो एक बार फिर से माता पिता बनने वाले हैं। नकुल कौशिक यानी कि आयुष्मान खुराना की जिंदगी में तब भूचाल आ जाता है जब उसे पता चलता है कि उसके माता पिता फिर से पेरेंट्स बनने वाले हैं। और इसका असर नकुल की लव लाइफ पर भी पड़ता है क्योंकि उसका रोमांस रेना यानी कि सानिया मल्होत्रा से चल रहा है। रेने की माँ को जब यह बात पता चलती है तो वह नकुल के परिवार को ठीक नहीं समझती। साथ ही नकुल के परिवार को इस बात को लेकर शर्मिंदगी भी झेलनी पड़ती है। लोग मजाक बनाना शुरू कर देते हैं। इस फिल्म की कहानी लीक से हटकर है लेकिन मनोरंजन का भरपूर मसाला इसमें देखने को मिल जाएगा। फिल्म की शुरुआत धीमी है और रफ्तार तभी पकड़ती है जब नकुल के माता पिता इस बात की घोषणा करती हैं कि घर में नन्ना मेहमान आने वाला है। इसके बाद हास्य दृश्यों की झड़ी सी लग जाती है। फिल्म में केवल हास्य नहीं बल्कि इमोशन भी है। फिल्म में कई सब प्लॉट भी हैं और जरूरी नहीं है कि हर ट्रैक अच्छा ही हो। जैसे नकुल और रेने के रोमांस वाला ट्रैक कमजोर है लेकिन फिर भी हास्य और इमोशन का मिश्रण इस फिल्म में अच्छा लगता है। कई दृश्यों में आपकी हंसी छूट जाती है। इस फिल्म का डायरेक्शन अमित रविंद्रनाथ शर्मा ने किया है और इस फिल्म के कुछ दृश्यों में उनकी पकड़ छूटती है लेकिन ज्यादातर हिस्से में उनका नियंत्रण रहता है। उन्होंने कलाकारों से अच्छा काम लिया है जिसकी वजह से कहानी एकदम वास्तविक लगती है। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि इस मूवी को आप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो गाइस, इस मूवी को डाउनलोड करने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा या फिर आप टेलीग्राम चैनल को उसके नाम से सर्च कर सकते हैं जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने के लिए मिल जाएगा। इस मूवी का लिंक मैंने टेलीग्राम चैनल पर दिया हुआ है, आप वहां से आसानी से इस मूवी को डाउनलोड कर सकते हैं। फिल्म में आयुष्मान खुराना लगातार अपने अभिनय से चौंका रहे हैं। वे ऐसी फिल्में चुन रहे हैं जिनमें कहानी लीक से हटकर होती है। अब आयुष्मान खुराना का होना इस बात की गारंटी बन जाता है। इस फिल्म में भी उन्होंने बेहतरीन अभिनय किया है। शराब पीकर हंगामा करना, रेने की माँ से माफी मांगना, अकड़ दिखाने वाले दृश्यों में उनका अभिनय देखने लायक है। हेलो एवरीवन, इस वीडियो में आपके साथ बधाईयों फिल्म का फुल रिव्यू शेयर करने वाला हूँ। साथ ही आपको बताने वाला हूँ कि इस मूवी को आप कहाँ से और कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप भी इस मूवी को अपने फोन पर डाउनलोड करना चाहते हैं तो अगले 5 मिनट तक बने रहिए वीडियो में। दोस्तों, ये कहानी एक ऐसे दंपति की है जो एक बार फिर से माता पिता बनने वाले हैं। नकुल कौशिक यानी कि आयुष्मान खुराना की जिंदगी में तब भूचाल आ जाता है जब उसे पता चलता है कि उसके माता पिता फिर से पेरेंट्स बनने वाले हैं। और इसका असर नकुल की लव लाइफ पर भी पड़ता है क्योंकि उसका रोमांस रेना यानी कि सानिया मल्होत्रा से चल रहा है। रेने की माँ को जब यह बात पता चलती है तो वह नकुल के परिवार को ठीक नहीं समझती। साथ ही नकुल के परिवार को इस बात को लेकर शर्मिंदगी भी झेलनी पड़ती है। लोग मजाक बनाना शुरू कर देते हैं। इस फिल्म की कहानी लीक से हटकर है लेकिन मनोरंजन का भरपूर मसाला इसमें देखने को मिल जाएगा। फिल्म की शुरुआत धीमी है और रफ्तार तभी पकड़ती है जब नकुल के माता पिता इस बात की घोषणा करते हैं कि घर में नन्ना मेहमान आने वाला है। इसके बाद हास्य दृश्यों की झड़ी सी लग जाती है। फिल्म में केवल हास्य नहीं बल्कि इमोशन भी है। फिल्म में कई सब प्लॉट भी हैं और जरूरी नहीं है कि हर ट्रैक अच्छा ही हो। जैसे नकुल और रेने के रोमांस वाला ट्रैक कमजोर है लेकिन फिर भी हास्य और इमोशन का मिश्रण इस फिल्म में अच्छा लगता है। कई दृश्यों में आपकी हंसी छूट जाती है। इस फिल्म का डायरेक्शन अमित रविंद्रनाथ शर्मा ने किया है और इस फिल्म के कुछ दृश्यों में उनकी पकड़ छूटती है लेकिन ज्यादातर हिस्से में उनका नियंत्रण रहता है। उन्होंने कलाकारों से अच्छा काम लिया है जिसकी वजह से कहानी एकदम वास्तविक लगती है। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि इस मूवी को आप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो गाइस, इस मूवी को डाउनलोड करने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा या फिर आप टेलीग्राम चैनल को उसके नाम से सर्च कर सकते हैं जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने के लिए मिल जाएगा। इस मूवी का लिंक मैंने टेलीग्राम चैनल पर दिया हुआ है, आप वहां से आसानी से इस मूवी को डाउनलोड कर सकते हैं। फिल्म में आयुष्मान खुराना लगातार अपने अभिनय से चौंका रहे हैं। वे ऐसी फिल्में चुन रहे हैं जिनमें कहानी लीक से हटकर होती है। अब आयुष्मान खुराना का होना इस बात की गारंटी बन जाता है। इस फिल्म में भी उन्होंने बेहतरीन अभिनय किया है। शराब पीकर हंगामा करना, रेने की माँ से माफी मांगना, अकड़ दिखाने वाले दृश्यों में उनका अभिनय देखने लायक है।
हेलो एवरीवन, इस वीडियो में आपके साथ बधाईयों फिल्म का फुल रिव्यू शेयर करने वाला हूं। साथ ही आपको बताने वाला हूं कि इस मूवी को आप कहां से और कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप भी इस मूवी को अपने फोन पर डाउनलोड करना चाहते हैं तो अगले 5 मिनट तक बने रहिए वीडियो में। दोस्तों, ये कहानी एक ऐसे दंपति की है जो एक बार फिर से माता पिता बनने वाले हैं। नकुल कौशिक यानी कि आयुष्मान खुराना की जिंदगी में तब भूचाल आ जाता है जब उसे पता चलता है कि उसके माता पिता फिर से पेरेंट्स बनने वाले हैं। और इसका असर नकुल की लव लाइफ पर भी पड़ता है, क्योंकि उसका रोमांस रेना यानी कि सानिया मल्होत्रा से चल रहा है। रेने की माँ को जब यह बात पता चलती है तो वह नकुल के परिवार को ठीक नहीं समझती। साथ ही नकुल के परिवार को इस बात को लेकर शर्मिंदगी भी झेलनी पड़ती है। लोग मजाक बनाना शुरू कर देते हैं। इस फिल्म की कहानी लीक से हटकर है, लेकिन मनोरंजन का भरपूर मसाला इसमें देखने को मिल जाएगा। फिल्म की शुरुआत धीमी है और रफ्तार तभी पकड़ती है जब नकुल के माता पिता इस बात की घोषणा करती हैं कि घर में नन्ना मेहमान आने वाला है। इसके बाद हास्य दृश्यों की झड़ी सी लग जाती है। फिल्म में केवल हास्य नहीं बल्कि इमोशन भी है। फिल्म में कई सब प्लॉट भी हैं और जरूरी नहीं है कि हर ट्रैक अच्छा ही हो। जैसे नकुल और रेने के रोमांस वाला ट्रैक कमजोर है, लेकिन फिर भी हास्य और इमोशन का मिश्रण इस फिल्म में अच्छा लगता है। कई दृश्यों में आपकी हंसी छूट जाती है। इस फिल्म का डायरेक्शन अमित रविंद्रनाथ शर्मा ने किया है और इस फिल्म के कुछ दृश्यों में उनकी पकड़ छूटती है, लेकिन ज्यादातर हिस्से में उनका नियंत्रण रहता है। उन्होंने कलाकारों से अच्छा काम लिया है जिसकी वजह से कहानी एकदम वास्तविक लगती है। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि इस मूवी को आप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो गाइस, इस मूवी को डाउनलोड करने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, या फिर आप टेलीग्राम चैनल को उसके नाम से सर्च कर सकते हैं जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने के लिए मिल जाएगा। इस मूवी का लिंक मैंने टेलीग्राम चैनल पर दिया हुआ है, आप वहां से आसानी से इस मूवी को डाउनलोड कर सकते हैं। फिल्म में आयुष्मान खुराना लगातार अपने अभिनय से चौंका रहे हैं। वे ऐसी फिल्में चुन रहे हैं जिनमें कहानी लीक से हटकर होती है। अब आयुष्मान खुराना का होना इस बात की गारंटी बन जाता है। इस फिल्म में भी उन्होंने बेहतरीन अभिनय किया है। शराब पीकर हंगामा करना, रेने की माँ से माफी मांगना, अकड़ दिखाने वाले दृश्यों में उनका अभिनय देखने लायक है। हेलो एवरीवन, इस वीडियो में आपके साथ बधाईयों फिल्म का फुल रिव्यू शेयर करने वाला हूँ। साथ ही आपको बताने वाला हूँ कि इस मूवी को आप कहाँ से और कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप भी इस मूवी को अपने फोन पर डाउनलोड करना चाहते हैं तो अगले 5 मिनट तक बने रहिए वीडियो में। दोस्तों, ये कहानी एक ऐसे दंपति की है जो एक बार फिर से माता पिता बनने वाले हैं। नकुल कौशिक यानी कि आयुष्मान खुराना की जिंदगी में तब भूचाल आ जाता है जब उसे पता चलता है कि उसके माता पिता फिर से पेरेंट्स बनने वाले हैं। और इसका असर नकुल की लव लाइफ पर भी पड़ता है, क्योंकि उसका रोमांस रेना यानी कि सानिया मल्होत्रा से चल रहा है। रेने की माँ को जब यह बात पता चलती है तो वह नकुल के परिवार को ठीक नहीं समझती। साथ ही नकुल के परिवार को इस बात को लेकर शर्मिंदगी भी झेलनी पड़ती है। लोग मजाक बनाना शुरू कर देते हैं। इस फिल्म की कहानी लीक से हटकर है, लेकिन मनोरंजन का भरपूर मसाला इसमें देखने को मिल जाएगा। फिल्म की शुरुआत धीमी है और रफ्तार तभी पकड़ती है जब नकुल के माता पिता इस बात की घोषणा करते हैं कि घर में नन्ना मेहमान आने वाला है। इसके बाद हास्य दृश्यों की झड़ी सी लग जाती है। फिल्म में केवल हास्य नहीं बल्कि इमोशन भी है। फिल्म में कई सब प्लॉट भी हैं और जरूरी नहीं है कि हर ट्रैक अच्छा ही हो। जैसे नकुल और रेने के रोमांस वाला ट्रैक कमजोर है, लेकिन फिर भी हास्य और इमोशन का मिश्रण इस फिल्म में अच्छा लगता है। कई दृश्यों में आपकी हंसी छूट जाती है। इस फिल्म का डायरेक्शन अमित रविंद्रनाथ शर्मा ने किया है और इस फिल्म के कुछ दृश्यों में उनकी पकड़ छूटती है, लेकिन ज्यादातर हिस्से में उनका नियंत्रण रहता है। उन्होंने कलाकारों से अच्छा काम लिया है जिसकी वजह से कहानी एकदम वास्तविक लगती है। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि इस मूवी को आप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो गाइस, इस मूवी को डाउनलोड करने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, या फिर आप टेलीग्राम चैनल को उसके नाम से सर्च कर सकते हैं जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने के लिए मिल जाएगा। इस मूवी का लिंक मैंने टेलीग्राम चैनल पर दिया हुआ है, आप वहां से आसानी से इस मूवी को डाउनलोड कर सकते हैं। फिल्म में आयुष्मान खुराना लगातार अपने अभिनय से चौंका रहे हैं। वे ऐसी फिल्में चुन रहे हैं जिनमें कहानी लीक से हटकर होती है। अब आयुष्मान खुराना का होना इस बात की गारंटी बन जाता है। इस फिल्म में भी उन्होंने बेहतरीन अभिनय किया है। शराब पीकर हंगामा करना, रेने की माँ से माफी मांगना, अकड़ दिखाने वाले दृश्यों में उनका अभिनय देखने लायक है।
हेलो एवरीवन, इस वीडियो में आपके साथ बधाईयों फिल्म का फुल रिव्यू शेयर करने वाला हूं। साथ ही आपको बताने वाला हूं कि इस मूवी को आप कहां से और कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप भी इस मूवी को अपने फोन पर डाउनलोड करना चाहते हैं तो अगले 5 मिनट तक बने रहिए वीडियो में। दोस्तों, ये कहानी एक ऐसे दंपति की है जो एक बार फिर से माता पिता बनने वाले हैं। नकुल कौशिक यानी कि आयुष्मान खुराना की जिंदगी में तब भूचाल आ जाता है जब उसे पता चलता है कि उसके माता पिता फिर से पेरेंट्स बनने वाले हैं। और इसका असर नकुल की लव लाइफ पर भी पड़ता है, क्योंकि उसका रोमांस रेना यानी कि सानिया मल्होत्रा से चल रहा है। रेने की माँ को जब यह बात पता चलती है तो वह नकुल के परिवार को ठीक नहीं समझती। साथ ही नकुल के परिवार को इस बात को लेकर शर्मिंदगी भी झेलनी पड़ती है। लोग मजाक बनाना शुरू कर देते हैं। इस फिल्म की कहानी लीक से हटकर है, लेकिन मनोरंजन का भरपूर मसाला इसमें देखने को मिल जाएगा। फिल्म की शुरुआत धीमी है और रफ्तार तभी पकड़ती है जब नकुल के माता पिता इस बात की घोषणा करते हैं कि घर में नन्ना मेहमान आने वाला है। इसके बाद हास्य दृश्यों की झड़ी सी लग जाती है। फिल्म में केवल हास्य नहीं बल्कि इमोशन भी है। फिल्म में कई सब प्लॉट भी हैं और जरूरी नहीं है कि हर ट्रैक अच्छा ही हो। जैसे नकुल और रेने के रोमांस वाला ट्रैक कमजोर है, लेकिन फिर भी हास्य और इमोशन का मिश्रण इस फिल्म में अच्छा लगता है। कई दृश्यों में आपकी हंसी छूट जाती है। इस फिल्म का डायरेक्शन अमित रविंद्रनाथ शर्मा ने किया है और इस फिल्म के कुछ दृश्यों में उनकी पकड़ छूटती है, लेकिन ज्यादातर हिस्से में उनका नियंत्रण रहता है। उन्होंने कलाकारों से अच्छा काम लिया है जिसकी वजह से कहानी एकदम वास्तविक लगती है। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि इस मूवी को आप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो गाइस, इस मूवी को डाउनलोड करने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, या फिर आप टेलीग्राम चैनल को उसके नाम से सर्च कर सकते हैं जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने के लिए मिल जाएगा। इस मूवी का लिंक मैंने टेलीग्राम चैनल पर दिया हुआ है, आप वहां से आसानी से इस मूवी को डाउनलोड कर सकते हैं। फिल्म में आयुष्मान खुराना लगातार अपने अभिनय से चौंका रहे हैं। वे ऐसी फिल्में चुन रहे हैं जिनमें कहानी लीक से हटकर होती है। अब आयुष्मान खुराना का होना इस बात की गारंटी बन जाता है। इस फिल्म में भी उन्होंने बेहतरीन अभिनय किया है। शराब पीकर हंगामा करना, रेने की माँ से माफी मांगना, अकड़ दिखाने वाले दृश्यों में उनका अभिनय देखने लायक है। हेलो एवरीवन, इस वीडियो में आपके साथ बधाईयों फिल्म का फुल रिव्यू शेयर करने वाला हूँ। साथ ही आपको बताने वाला हूँ कि इस मूवी को आप कहाँ से और कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप भी इस मूवी को अपने फोन पर डाउनलोड करना चाहते हैं तो अगले 5 मिनट तक बने रहिए वीडियो में। दोस्तों, ये कहानी एक ऐसे दंपति की है जो एक बार फिर से माता पिता बनने वाले हैं। नकुल कौशिक यानी कि आयुष्मान खुराना की जिंदगी में तब भूचाल आ जाता है जब उसे पता चलता है कि उसके माता पिता फिर से पेरेंट्स बनने वाले हैं। और इसका असर नकुल की लव लाइफ पर भी पड़ता है, क्योंकि उसका रोमांस रेना यानी कि सानिया मल्होत्रा से चल रहा है। रेने की माँ को जब यह बात पता चलती है तो वह नकुल के परिवार को ठीक नहीं समझती। साथ ही नकुल के परिवार को इस बात को लेकर शर्मिंदगी भी झेलनी पड़ती है। लोग मजाक बनाना शुरू कर देते हैं। इस फिल्म की कहानी लीक से हटकर है, लेकिन मनोरंजन का भरपूर मसाला इसमें देखने को मिल जाएगा। फिल्म की शुरुआत धीमी है और रफ्तार तभी पकड़ती है जब नकुल के माता पिता इस बात की घोषणा करते हैं कि घर में नन्ना मेहमान आने वाला है। इसके बाद हास्य दृश्यों की झड़ी सी लग जाती है। फिल्म में केवल हास्य नहीं बल्कि इमोशन भी है। फिल्म में कई सब प्लॉट भी हैं और जरूरी नहीं है कि हर ट्रैक अच्छा ही हो। जैसे नकुल और रेने के रोमांस वाला ट्रैक कमजोर है, लेकिन फिर भी हास्य और इमोशन का मिश्रण इस फिल्म में अच्छा लगता है। कई दृश्यों में आपकी हंसी छूट जाती है। इस फिल्म का डायरेक्शन अमित रविंद्रनाथ शर्मा ने किया है और इस फिल्म के कुछ दृश्यों में उनकी पकड़ छूटती है, लेकिन ज्यादातर हिस्से में उनका नियंत्रण रहता है। उन्होंने कलाकारों से अच्छा काम लिया है जिसकी वजह से कहानी एकदम वास्तविक लगती है। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि इस मूवी को आप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो गाइस, इस मूवी को डाउनलोड करने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, या फिर आप टेलीग्राम चैनल को उसके नाम से सर्च कर सकते हैं जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने के लिए मिल जाएगा। इस मूवी का लिंक मैंने टेलीग्राम चैनल पर दिया हुआ है, आप वहां से आसानी से इस मूवी को डाउनलोड कर सकते हैं। फिल्म में आयुष्मान खुराना लगातार अपने अभिनय से चौंका रहे हैं। वे ऐसी फिल्में चुन रहे हैं जिनमें कहानी लीक से हटकर होती है। अब आयुष्मान खुराना का होना इस बात की गारंटी बन जाता है। इस फिल्म में भी उन्होंने बेहतरीन अभिनय किया है। शराब पीकर हंगामा करना, रेने की माँ से माफी मांगना, अकड़ दिखाने वाले दृश्यों में उनका अभिनय देखने लायक है।
हेलो एवरीवन, इस वीडियो में आपके साथ बधाई और फिल्म का फुल रिव्यू शेयर करने वाला हूं। साथ ही आपको बताने वाला हूं कि इस मूवी को आप कहां से और कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप भी इस मूवी को अपने फोन पर डाउनलोड करना चाहते हैं तो अगले 5 मिनट तक बने रहिए वीडियो में। दोस्तों, ये कहानी एक ऐसे दंपति की है जो एक बार फिर से माता पिता बनने वाले हैं। नकुल कौशिक यानी कि आयुष्मान खुराना की जिंदगी में तब भूचाल आ जाता है जब उसे पता चलता है कि उसके माता पिता फिर से पेरेंट्स बनने वाले हैं। और इसका असर नकुल की लव लाइफ पर भी पड़ता है, क्योंकि उसका रोमांस रेना यानी कि सानिया मल्होत्रा से चल रहा है। रेने की माँ को जब यह बात पता चलती है तो वह नकुल के परिवार को ठीक नहीं समझती। साथ ही नकुल के परिवार को इस बात को लेकर शर्मिंदगी भी झेलनी पड़ती है। लोग मजाक बनाना शुरू कर देते हैं। इस फिल्म की कहानी लीक से हटकर है, लेकिन मनोरंजन का भरपूर मसाला इसमें देखने को मिल जाएगा। फिल्म की शुरुआत धीमी है और रफ्तार तभी पकड़ती है जब नकुल के माता पिता इस बात की घोषणा करते हैं कि घर में नन्ना मेहमान आने वाला है। इसके बाद हास्य दृश्यों की झड़ी सी लग जाती है। फिल्म में केवल हास्य नहीं बल्कि इमोशन भी है। फिल्म में कई सब प्लॉट भी हैं और जरूरी नहीं है कि हर ट्रैक अच्छा ही हो। जैसे नकुल और रेने के रोमांस वाला ट्रैक कमजोर है, लेकिन फिर भी हास्य और इमोशन का मिश्रण इस फिल्म में अच्छा लगता है। कई दृश्यों में आपकी हंसी छूट जाती है। इस फिल्म का डायरेक्शन अमित रविंद्रनाथ शर्मा ने किया है और इस फिल्म के कुछ दृश्यों में उनकी पकड़ छूटती है, लेकिन ज्यादातर हिस्से में उनका नियंत्रण रहता है। उन्होंने कलाकारों से अच्छा काम लिया है जिसकी वजह से कहानी एकदम वास्तविक लगती है। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि इस मूवी को आप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो गाइस, इस मूवी को डाउनलोड करने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, या फिर आप टेलीग्राम चैनल को उसके नाम से सर्च कर सकते हैं जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने के लिए मिल जाएगा। इस मूवी का लिंक मैंने टेलीग्राम चैनल पर दिया हुआ है, आप वहां से आसानी से इस मूवी को डाउनलोड कर सकते हैं। फिल्म में आयुष्मान खुराना लगातार अपने अभिनय से चौंका रहे हैं। वे ऐसी फिल्में चुन रहे हैं जिनमें कहानी लीक से हटकर होती है। अब आयुष्मान खुराना का होना इस बात की गारंटी बन जाता है। इस फिल्म में भी उन्होंने बेहतरीन अभिनय किया है। शराब पीकर हंगामा करना, रेने की माँ से माफी मांगना, अकड़ दिखाने वाले दृश्यों में उनका अभिनय देखने लायक है। हेलो एवरीवन, इस वीडियो में आपके साथ बधाई और फिल्म का फुल रिव्यू शेयर करने वाला हूँ। साथ ही आपको बताने वाला हूँ कि इस मूवी को आप कहाँ से और कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप भी इस मूवी को अपने फोन पर डाउनलोड करना चाहते हैं तो अगले 5 मिनट तक बने रहिए वीडियो में। दोस्तों, ये कहानी एक ऐसे दंपति की है जो एक बार फिर से माता पिता बनने वाले हैं। नकुल कौशिक यानी कि आयुष्मान खुराना की जिंदगी में तब भूचाल आ जाता है जब उसे पता चलता है कि उसके माता पिता फिर से पेरेंट्स बनने वाले हैं। और इसका असर नकुल की लव लाइफ पर भी पड़ता है, क्योंकि उसका रोमांस रेना यानी कि सानिया मल्होत्रा से चल रहा है। रेने की माँ को जब यह बात पता चलती है तो वह नकुल के परिवार को ठीक नहीं समझती। साथ ही नकुल के परिवार को इस बात को लेकर शर्मिंदगी भी झेलनी पड़ती है। लोग मजाक बनाना शुरू कर देते हैं। इस फिल्म की कहानी लीक से हटकर है, लेकिन मनोरंजन का भरपूर मसाला इसमें देखने को मिल जाएगा। फिल्म की शुरुआत धीमी है और रफ्तार तभी पकड़ती है जब नकुल के माता पिता इस बात की घोषणा करते हैं कि घर में नन्ना मेहमान आने वाला है। इसके बाद हास्य दृश्यों की झड़ी सी लग जाती है। फिल्म में केवल हास्य नहीं बल्कि इमोशन भी है। फिल्म में कई सब प्लॉट भी हैं और जरूरी नहीं है कि हर ट्रैक अच्छा ही हो। जैसे नकुल और रेने के रोमांस वाला ट्रैक कमजोर है, लेकिन फिर भी हास्य और इमोशन का मिश्रण इस फिल्म में अच्छा लगता है। कई दृश्यों में आपकी हंसी छूट जाती है। इस फिल्म का डायरेक्शन अमित रविंद्रनाथ शर्मा ने किया है और इस फिल्म के कुछ दृश्यों में उनकी पकड़ छूटती है, लेकिन ज्यादातर हिस्से में उनका नियंत्रण रहता है। उन्होंने कलाकारों से अच्छा काम लिया है जिसकी वजह से कहानी एकदम वास्तविक लगती है। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि इस मूवी को आप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो गाइस, इस मूवी को डाउनलोड करने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, या फिर आप टेलीग्राम चैनल को उसके नाम से सर्च कर सकते हैं जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने के लिए मिल जाएगा। इस मूवी का लिंक मैंने टेलीग्राम चैनल पर दिया हुआ है, आप वहां से आसानी से इस मूवी को डाउनलोड कर सकते हैं। फिल्म में आयुष्मान खुराना लगातार अपने अभिनय से चौंका रहे हैं। वे ऐसी फिल्में चुन रहे हैं जिनमें कहानी लीक से हटकर होती है। अब आयुष्मान खुराना का होना इस बात की गारंटी बन जाता है। इस फिल्म में भी उन्होंने बेहतरीन अभिनय किया है। शराब पीकर हंगामा करना, रेने की माँ से माफी मांगना, अकड़ दिखाने वाले दृश्यों में उनका अभिनय देखने लायक है।
हेलो एवरीवन, इस वीडियो में आपके साथ बधाई और फिल्म का फुल रिव्यू शेयर करने वाला हूं। साथ ही आपको बताने वाला हूं कि इस मूवी को आप कहां से और कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप भी इस मूवी को अपने फोन पर डाउनलोड करना चाहते हैं तो अगले 5 मिनट तक बने रहिए वीडियो में। दोस्तों, ये कहानी एक ऐसे दंपति की है जो एक बार फिर से माता पिता बनने वाले हैं। नकुल कौशिक यानी कि आयुष्मान खुराना की जिंदगी में तब भूचाल आ जाता है जब उसे पता चलता है कि उसके माता पिता फिर से पेरेंट्स बनने वाले हैं। और इसका असर नकुल की लव लाइफ पर भी पड़ता है क्योंकि उसका रोमांस रेना यानी कि सानिया मल्होत्रा से चल रहा है। रेने की माँ को जब यह बात पता चलती है तो वह नकुल के परिवार को ठीक नहीं समझती। साथ ही नकुल के परिवार को इस बात को लेकर शर्मिंदगी भी झेलनी पड़ती है। लोग मजाक बनाना शुरू कर देते हैं। इस फिल्म की कहानी लीक से हटकर है लेकिन मनोरंजन का भरपूर मसाला इसमें देखने को मिल जाएगा। फिल्म की शुरुआत धीमी है और रफ्तार तभी पकड़ती है जब नकुल के माता पिता इस बात की घोषणा करते हैं कि घर में नन्ना मेहमान आने वाला है। इसके बाद हास्य दृश्यों की झड़ी सी लग जाती है। फिल्म में केवल हास्य नहीं बल्कि इमोशन भी है। फिल्म में कई सब प्लॉट भी हैं और जरूरी नहीं है कि हर ट्रैक अच्छा ही हो। जैसे नकुल और रेने के रोमांस वाला ट्रैक कमजोर है लेकिन फिर भी हास्य और इमोशन का मिश्रण इस फिल्म में अच्छा लगता है। कई दृश्यों में आपकी हंसी छूट जाती है। इस फिल्म का डायरेक्शन अमित रविंद्रनाथ शर्मा ने किया है और इस फिल्म के कुछ दृश्यों में उनकी पकड़ छूटती है लेकिन ज्यादातर हिस्से में उनका नियंत्रण रहता है। उन्होंने कलाकारों से अच्छा काम लिया है जिसकी वजह से कहानी एकदम वास्तविक लगती है। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि इस मूवी को आप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो गाइस, इस मूवी को डाउनलोड करने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा या फिर आप टेलीग्राम चैनल को उसके नाम से सर्च कर सकते हैं जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने के लिए मिल जाएगा। इस मूवी का लिंक मैंने टेलीग्राम चैनल पर दिया हुआ है, आप वहां से आसानी से इस मूवी को डाउनलोड कर सकते हैं। फिल्म में आयुष्मान खुराना लगातार अपने अभिनय से चौंका रहे हैं। वे ऐसी फिल्में चुन रहे हैं जिनमें कहानी लीक से हटकर होती है। अब आयुष्मान खुराना का होना इस बात की गारंटी बन जाता है। इस फिल्म में भी उन्होंने बेहतरीन अभिनय किया है। शराब पीकर हंगामा करना, रेने की माँ से माफी मांगना, अकड़ दिखाने वाले दृश्यों में उनका अभिनय देखने लायक है। हेलो एवरीवन, इस वीडियो में आपके साथ बधाई और फिल्म का फुल रिव्यू शेयर करने वाला हूँ। साथ ही आपको बताने वाला हूँ कि इस मूवी को आप कहाँ से और कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप भी इस मूवी को अपने फोन पर डाउनलोड करना चाहते हैं तो अगले 5 मिनट तक बने रहिए वीडियो में। दोस्तों, ये कहानी एक ऐसे दंपति की है जो एक बार फिर से माता पिता बनने वाले हैं। नकुल कौशिक यानी कि आयुष्मान खुराना की जिंदगी में तब भूचाल आ जाता है जब उसे पता चलता है कि उसके माता पिता फिर से पेरेंट्स बनने वाले हैं। और इसका असर नकुल की लव लाइफ पर भी पड़ता है क्योंकि उसका रोमांस रेना यानी कि सानिया मल्होत्रा से चल रहा है। रेने की माँ को जब यह बात पता चलती है तो वह नकुल के परिवार को ठीक नहीं समझती। साथ ही नकुल के परिवार को इस बात को लेकर शर्मिंदगी भी झेलनी पड़ती है। लोग मजाक बनाना शुरू कर देते हैं। इस फिल्म की कहानी लीक से हटकर है लेकिन मनोरंजन का भरपूर मसाला इसमें देखने को मिल जाएगा। फिल्म की शुरुआत धीमी है और रफ्तार तभी पकड़ती है जब नकुल के माता पिता इस बात की घोषणा करते हैं कि घर में नन्ना मेहमान आने वाला है। इसके बाद हास्य दृश्यों की झड़ी सी लग जाती है। फिल्म में केवल हास्य नहीं बल्कि इमोशन भी है। फिल्म में कई सब प्लॉट भी हैं और जरूरी नहीं है कि हर ट्रैक अच्छा ही हो। जैसे नकुल और रेने के रोमांस वाला ट्रैक कमजोर है लेकिन फिर भी हास्य और इमोशन का मिश्रण इस फिल्म में अच्छा लगता है। कई दृश्यों में आपकी हंसी छूट जाती है। इस फिल्म का डायरेक्शन अमित रविंद्रनाथ शर्मा ने किया है और इस फिल्म के कुछ दृश्यों में उनकी पकड़ छूटती है लेकिन ज्यादातर हिस्से में उनका नियंत्रण रहता है। उन्होंने कलाकारों से अच्छा काम लिया है जिसकी वजह से कहानी एकदम वास्तविक लगती है। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि इस मूवी को आप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो गाइस, इस मूवी को डाउनलोड करने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा या फिर आप टेलीग्राम चैनल को उसके नाम से सर्च कर सकते हैं जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने के लिए मिल जाएगा। इस मूवी का लिंक मैंने टेलीग्राम चैनल पर दिया हुआ है, आप वहां से आसानी से इस मूवी को डाउनलोड कर सकते हैं। फिल्म में आयुष्मान खुराना लगातार अपने अभिनय से चौंका रहे हैं। वे ऐसी फिल्में चुन रहे हैं जिनमें कहानी लीक से हटकर होती है। अब आयुष्मान खुराना का होना इस बात की गारंटी बन जाता है। इस फिल्म में भी उन्होंने बेहतरीन अभिनय किया है। शराब पीकर हंगामा करना, रेने की माँ से माफी मांगना, अकड़ दिखाने वाले दृश्यों में उनका अभिनय देखने लायक है।
हेलो एवरीवन, इस वीडियो में आपके साथ बधाईयों फिल्म का फुल रिव्यू शेयर करने वाला हूं। साथ ही आपको बताने वाला हूं कि इस मूवी को आप कहां से और कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप भी इस मूवी को अपने फोन पर डाउनलोड करना चाहते हैं तो अगले 5 मिनट तक बने रहिए वीडियो में। दोस्तों, ये कहानी एक ऐसे दंपति की है जो एक बार फिर से माता पिता बनने वाले हैं। नकुल कौशिक यानी कि आयुष्मान खुराना की जिंदगी में तब भूचाल आ जाता है जब उसे पता चलता है कि उसके माता पिता फिर से पेरेंट्स बनने वाले हैं। और इसका असर नकुल की लव लाइफ पर भी पड़ता है क्योंकि उसका रोमांस रेना यानी कि सानिया मल्होत्रा से चल रहा है। रेने की माँ को जब यह बात पता चलती है तो वह नकुल के परिवार को ठीक नहीं समझती। साथ ही नकुल के परिवार को इस बात को लेकर शर्मिंदगी भी झेलनी पड़ती है। लोग मजाक बनाना शुरू कर देते हैं। इस फिल्म की कहानी लीक से हटकर है लेकिन मनोरंजन का भरपूर मसाला इसमें देखने को मिल जाएगा। फिल्म की शुरुआत धीमी है और रफ्तार तभी पकड़ती है जब नकुल के माता पिता इस बात की घोषणा करती हैं कि घर में नन्ना मेहमान आने वाला है। इसके बाद हास्य दृश्यों की झड़ी सी लग जाती है। फिल्म में केवल हास्य नहीं बल्कि इमोशन भी है। फिल्म में कई सब प्लॉट भी हैं और जरूरी नहीं है कि हर ट्रैक अच्छा ही हो। जैसे नकुल और रेने के रोमांस वाला ट्रैक कमजोर है लेकिन फिर भी हास्य और इमोशन का मिश्रण इस फिल्म में अच्छा लगता है। कई दृश्यों में आपकी हंसी छूट जाती है। इस फिल्म का डायरेक्शन अमित रविंद्रनाथ शर्मा ने किया है और इस फिल्म के कुछ दृश्यों में उनकी पकड़ छूटती है लेकिन ज्यादातर हिस्से में उनका नियंत्रण रहता है। उन्होंने कलाकारों से अच्छा काम लिया है जिसकी वजह से कहानी एकदम वास्तविक लगती है। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि इस मूवी को आप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो गाइस, इस मूवी को डाउनलोड करने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा या फिर आप टेलीग्राम चैनल को उसके नाम से सर्च कर सकते हैं जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने के लिए मिल जाएगा। इस मूवी का लिंक मैंने टेलीग्राम चैनल पर दिया हुआ है, आप वहां से आसानी से इस मूवी को डाउनलोड कर सकते हैं। फिल्म में आयुष्मान खुराना लगातार अपने अभिनय से चौंका रहे हैं। वे ऐसी फिल्में चुन रहे हैं जिनमें कहानी लीक से हटकर होती है। अब आयुष्मान खुराना का होना इस बात की गारंटी बन जाता है। इस फिल्म में भी उन्होंने बेहतरीन अभिनय किया है। शराब पीकर हंगामा करना, रेने की माँ से माफी मांगना, अकड़ दिखाने वाले दृश्यों में उनका अभिनय देखने लायक है। हेलो एवरीवन, इस वीडियो में आपके साथ बधाईयों फिल्म का फुल रिव्यू शेयर करने वाला हूँ। साथ ही आपको बताने वाला हूँ कि इस मूवी को आप कहाँ से और कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप भी इस मूवी को अपने फोन पर डाउनलोड करना चाहते हैं तो अगले 5 मिनट तक बने रहिए वीडियो में। दोस्तों, ये कहानी एक ऐसे दंपति की है जो एक बार फिर से माता पिता बनने वाले हैं। नकुल कौशिक यानी कि आयुष्मान खुराना की जिंदगी में तब भूचाल आ जाता है जब उसे पता चलता है कि उसके माता पिता फिर से पेरेंट्स बनने वाले हैं। और इसका असर नकुल की लव लाइफ पर भी पड़ता है क्योंकि उसका रोमांस रेना यानी कि सानिया मल्होत्रा से चल रहा है। रेने की माँ को जब यह बात पता चलती है तो वह नकुल के परिवार को ठीक नहीं समझती। साथ ही नकुल के परिवार को इस बात को लेकर शर्मिंदगी भी झेलनी पड़ती है। लोग मजाक बनाना शुरू कर देते हैं। इस फिल्म की कहानी लीक से हटकर है लेकिन मनोरंजन का भरपूर मसाला इसमें देखने को मिल जाएगा। फिल्म की शुरुआत धीमी है और रफ्तार तभी पकड़ती है जब नकुल के माता पिता इस बात की घोषणा करते हैं कि घर में नन्ना मेहमान आने वाला है। इसके बाद हास्य दृश्यों की झड़ी सी लग जाती है। फिल्म में केवल हास्य नहीं बल्कि इमोशन भी है। फिल्म में कई सब प्लॉट भी हैं और जरूरी नहीं है कि हर ट्रैक अच्छा ही हो। जैसे नकुल और रेने के रोमांस वाला ट्रैक कमजोर है लेकिन फिर भी हास्य और इमोशन का मिश्रण इस फिल्म में अच्छा लगता है। कई दृश्यों में आपकी हंसी छूट जाती है। इस फिल्म का डायरेक्शन अमित रविंद्रनाथ शर्मा ने किया है और इस फिल्म के कुछ दृश्यों में उनकी पकड़ छूटती है लेकिन ज्यादातर हिस्से में उनका नियंत्रण रहता है। उन्होंने कलाकारों से अच्छा काम लिया है जिसकी वजह से कहानी एकदम वास्तविक लगती है। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि इस मूवी को आप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो गाइस, इस मूवी को डाउनलोड करने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा या फिर आप टेलीग्राम चैनल को उसके नाम से सर्च कर सकते हैं जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने के लिए मिल जाएगा। इस मूवी का लिंक मैंने टेलीग्राम चैनल पर दिया हुआ है, आप वहां से आसानी से इस मूवी को डाउनलोड कर सकते हैं। फिल्म में आयुष्मान खुराना लगातार अपने अभिनय से चौंका रहे हैं। वे ऐसी फिल्में चुन रहे हैं जिनमें कहानी लीक से हटकर होती है। अब आयुष्मान खुराना का होना इस बात की गारंटी बन जाता है। इस फिल्म में भी उन्होंने बेहतरीन अभिनय किया है। शराब पीकर हंगामा करना, रेने की माँ से माफी मांगना, अकड़ दिखाने वाले दृश्यों में उनका अभिनय देखने लायक है।
हेलो एवरीवन, इस वीडियो में आपके साथ बधाईयों फिल्म का फुल रिव्यू शेयर करने वाला हूं। साथ ही आपको बताने वाला हूं कि इस मूवी को आप कहां से और कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप भी इस मूवी को अपने फोन पर डाउनलोड करना चाहते हैं तो अगले 5 मिनट तक बने रहिए वीडियो में। दोस्तों, ये कहानी एक ऐसे दंपति की है जो एक बार फिर से माता पिता बनने वाले हैं। नकुल कौशिक यानी कि आयुष्मान खुराना की जिंदगी में तब भूचाल आ जाता है जब उसे पता चलता है कि उसके माता पिता फिर से पेरेंट्स बनने वाले हैं। और इसका असर नकुल की लव लाइफ पर भी पड़ता है, क्योंकि उसका रोमांस रेना यानी कि सानिया मल्होत्रा से चल रहा है। रेने की माँ को जब यह बात पता चलती है तो वह नकुल के परिवार को ठीक नहीं समझती। साथ ही नकुल के परिवार को इस बात को लेकर शर्मिंदगी भी झेलनी पड़ती है। लोग मजाक बनाना शुरू कर देते हैं। इस फिल्म की कहानी लीक से हटकर है, लेकिन मनोरंजन का भरपूर मसाला इसमें देखने को मिल जाएगा। फिल्म की शुरुआत धीमी है और रफ्तार तभी पकड़ती है जब नकुल के माता पिता इस बात की घोषणा करती हैं कि घर में नन्ना मेहमान आने वाला है। इसके बाद हास्य दृश्यों की झड़ी सी लग जाती है। फिल्म में केवल हास्य नहीं बल्कि इमोशन भी है। फिल्म में कई सब प्लॉट भी हैं और जरूरी नहीं है कि हर ट्रैक अच्छा ही हो। जैसे नकुल और रेने के रोमांस वाला ट्रैक कमजोर है, लेकिन फिर भी हास्य और इमोशन का मिश्रण इस फिल्म में अच्छा लगता है। कई दृश्यों में आपकी हंसी छूट जाती है। इस फिल्म का डायरेक्शन अमित रविंद्रनाथ शर्मा ने किया है और इस फिल्म के कुछ दृश्यों में उनकी पकड़ छूटती है, लेकिन ज्यादातर हिस्से में उनका नियंत्रण रहता है। उन्होंने कलाकारों से अच्छा काम लिया है जिसकी वजह से कहानी एकदम वास्तविक लगती है। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि इस मूवी को आप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो गाइस, इस मूवी को डाउनलोड करने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, या फिर आप टेलीग्राम चैनल को उसके नाम से सर्च कर सकते हैं जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने के लिए मिल जाएगा। इस मूवी का लिंक मैंने टेलीग्राम चैनल पर दिया हुआ है, आप वहां से आसानी से इस मूवी को डाउनलोड कर सकते हैं। फिल्म में आयुष्मान खुराना लगातार अपने अभिनय से चौंका रहे हैं। वे ऐसी फिल्में चुन रहे हैं जिनमें कहानी लीक से हटकर होती है। अब आयुष्मान खुराना का होना इस बात की गारंटी बन जाता है। इस फिल्म में भी उन्होंने बेहतरीन अभिनय किया है। शराब पीकर हंगामा करना, रेने की माँ से माफी मांगना, अकड़ दिखाने वाले दृश्यों में उनका अभिनय देखने लायक है। हेलो एवरीवन, इस वीडियो में आपके साथ बधाईयों फिल्म का फुल रिव्यू शेयर करने वाला हूँ। साथ ही आपको बताने वाला हूँ कि इस मूवी को आप कहाँ से और कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप भी इस मूवी को अपने फोन पर डाउनलोड करना चाहते हैं तो अगले 5 मिनट तक बने रहिए वीडियो में। दोस्तों, ये कहानी एक ऐसे दंपति की है जो एक बार फिर से माता पिता बनने वाले हैं। नकुल कौशिक यानी कि आयुष्मान खुराना की जिंदगी में तब भूचाल आ जाता है जब उसे पता चलता है कि उसके माता पिता फिर से पेरेंट्स बनने वाले हैं। और इसका असर नकुल की लव लाइफ पर भी पड़ता है, क्योंकि उसका रोमांस रेना यानी कि सानिया मल्होत्रा से चल रहा है। रेने की माँ को जब यह बात पता चलती है तो वह नकुल के परिवार को ठीक नहीं समझती। साथ ही नकुल के परिवार को इस बात को लेकर शर्मिंदगी भी झेलनी पड़ती है। लोग मजाक बनाना शुरू कर देते हैं। इस फिल्म की कहानी लीक से हटकर है, लेकिन मनोरंजन का भरपूर मसाला इसमें देखने को मिल जाएगा। फिल्म की शुरुआत धीमी है और रफ्तार तभी पकड़ती है जब नकुल के माता पिता इस बात की घोषणा करते हैं कि घर में नन्ना मेहमान आने वाला है। इसके बाद हास्य दृश्यों की झड़ी सी लग जाती है। फिल्म में केवल हास्य नहीं बल्कि इमोशन भी है। फिल्म में कई सब प्लॉट भी हैं और जरूरी नहीं है कि हर ट्रैक अच्छा ही हो। जैसे नकुल और रेने के रोमांस वाला ट्रैक कमजोर है, लेकिन फिर भी हास्य और इमोशन का मिश्रण इस फिल्म में अच्छा लगता है। कई दृश्यों में आपकी हंसी छूट जाती है। इस फिल्म का डायरेक्शन अमित रविंद्रनाथ शर्मा ने किया है और इस फिल्म के कुछ दृश्यों में उनकी पकड़ छूटती है, लेकिन ज्यादातर हिस्से में उनका नियंत्रण रहता है। उन्होंने कलाकारों से अच्छा काम लिया है जिसकी वजह से कहानी एकदम वास्तविक लगती है। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि इस मूवी को आप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो गाइस, इस मूवी को डाउनलोड करने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, या फिर आप टेलीग्राम चैनल को उसके नाम से सर्च कर सकते हैं जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने के लिए मिल जाएगा। इस मूवी का लिंक मैंने टेलीग्राम चैनल पर दिया हुआ है, आप वहां से आसानी से इस मूवी को डाउनलोड कर सकते हैं। फिल्म में आयुष्मान खुराना लगातार अपने अभिनय से चौंका रहे हैं। वे ऐसी फिल्में चुन रहे हैं जिनमें कहानी लीक से हटकर होती है। अब आयुष्मान खुराना का होना इस बात की गारंटी बन जाता है। इस फिल्म में भी उन्होंने बेहतरीन अभिनय किया है। शराब पीकर हंगामा करना, रेने की माँ से माफी मांगना, अकड़ दिखाने वाले दृश्यों में उनका अभिनय देखने लायक है।
हेलो एवरीवन, इस वीडियो में आपके साथ बधाईयों फिल्म का फुल रिव्यू शेयर करने वाला हूं। साथ ही आपको बताने वाला हूं कि इस मूवी को आप कहां से और कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप भी इस मूवी को अपने फोन पर डाउनलोड करना चाहते हैं तो अगले 5 मिनट तक बने रहिए वीडियो में। दोस्तों, ये कहानी एक ऐसे दंपति की है जो एक बार फिर से माता पिता बनने वाले हैं। नकुल कौशिक यानी कि आयुष्मान खुराना की जिंदगी में तब भूचाल आ जाता है जब उसे पता चलता है कि उसके माता पिता फिर से पेरेंट्स बनने वाले हैं। और इसका असर नकुल की लव लाइफ पर भी पड़ता है, क्योंकि उसका रोमांस रेना यानी कि सानिया मल्होत्रा से चल रहा है। रेने की माँ को जब यह बात पता चलती है तो वह नकुल के परिवार को ठीक नहीं समझती। साथ ही नकुल के परिवार को इस बात को लेकर शर्मिंदगी भी झेलनी पड़ती है। लोग मजाक बनाना शुरू कर देते हैं। इस फिल्म की कहानी लीक से हटकर है, लेकिन मनोरंजन का भरपूर मसाला इसमें देखने को मिल जाएगा। फिल्म की शुरुआत धीमी है और रफ्तार तभी पकड़ती है जब नकुल के माता पिता इस बात की घोषणा करते हैं कि घर में नन्ना मेहमान आने वाला है। इसके बाद हास्य दृश्यों की झड़ी सी लग जाती है। फिल्म में केवल हास्य नहीं बल्कि इमोशन भी है। फिल्म में कई सब प्लॉट भी हैं और जरूरी नहीं है कि हर ट्रैक अच्छा ही हो। जैसे नकुल और रेने के रोमांस वाला ट्रैक कमजोर है, लेकिन फिर भी हास्य और इमोशन का मिश्रण इस फिल्म में अच्छा लगता है। कई दृश्यों में आपकी हंसी छूट जाती है। इस फिल्म का डायरेक्शन अमित रविंद्रनाथ शर्मा ने किया है और इस फिल्म के कुछ दृश्यों में उनकी पकड़ छूटती है, लेकिन ज्यादातर हिस्से में उनका नियंत्रण रहता है। उन्होंने कलाकारों से अच्छा काम लिया है जिसकी वजह से कहानी एकदम वास्तविक लगती है। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि इस मूवी को आप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो गाइस, इस मूवी को डाउनलोड करने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, या फिर आप टेलीग्राम चैनल को उसके नाम से सर्च कर सकते हैं जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने के लिए मिल जाएगा। इस मूवी का लिंक मैंने टेलीग्राम चैनल पर दिया हुआ है, आप वहां से आसानी से इस मूवी को डाउनलोड कर सकते हैं। फिल्म में आयुष्मान खुराना लगातार अपने अभिनय से चौंका रहे हैं। वे ऐसी फिल्में चुन रहे हैं जिनमें कहानी लीक से हटकर होती है। अब आयुष्मान खुराना का होना इस बात की गारंटी बन जाता है। इस फिल्म में भी उन्होंने बेहतरीन अभिनय किया है। शराब पीकर हंगामा करना, रेने की माँ से माफी मांगना, अकड़ दिखाने वाले दृश्यों में उनका अभिनय देखने लायक है। हेलो एवरीवन, इस वीडियो में आपके साथ बधाईयों फिल्म का फुल रिव्यू शेयर करने वाला हूँ। साथ ही आपको बताने वाला हूँ कि इस मूवी को आप कहाँ से और कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप भी इस मूवी को अपने फोन पर डाउनलोड करना चाहते हैं तो अगले 5 मिनट तक बने रहिए वीडियो में। दोस्तों, ये कहानी एक ऐसे दंपति की है जो एक बार फिर से माता पिता बनने वाले हैं। नकुल कौशिक यानी कि आयुष्मान खुराना की जिंदगी में तब भूचाल आ जाता है जब उसे पता चलता है कि उसके माता पिता फिर से पेरेंट्स बनने वाले हैं। और इसका असर नकुल की लव लाइफ पर भी पड़ता है, क्योंकि उसका रोमांस रेना यानी कि सानिया मल्होत्रा से चल रहा है। रेने की माँ को जब यह बात पता चलती है तो वह नकुल के परिवार को ठीक नहीं समझती। साथ ही नकुल के परिवार को इस बात को लेकर शर्मिंदगी भी झेलनी पड़ती है। लोग मजाक बनाना शुरू कर देते हैं। इस फिल्म की कहानी लीक से हटकर है, लेकिन मनोरंजन का भरपूर मसाला इसमें देखने को मिल जाएगा। फिल्म की शुरुआत धीमी है और रफ्तार तभी पकड़ती है जब नकुल के माता पिता इस बात की घोषणा करते हैं कि घर में नन्ना मेहमान आने वाला है। इसके बाद हास्य दृश्यों की झड़ी सी लग जाती है। फिल्म में केवल हास्य नहीं बल्कि इमोशन भी है। फिल्म में कई सब प्लॉट भी हैं और जरूरी नहीं है कि हर ट्रैक अच्छा ही हो। जैसे नकुल और रेने के रोमांस वाला ट्रैक कमजोर है, लेकिन फिर भी हास्य और इमोशन का मिश्रण इस फिल्म में अच्छा लगता है। कई दृश्यों में आपकी हंसी छूट जाती है। इस फिल्म का डायरेक्शन अमित रविंद्रनाथ शर्मा ने किया है और इस फिल्म के कुछ दृश्यों में उनकी पकड़ छूटती है, लेकिन ज्यादातर हिस्से में उनका नियंत्रण रहता है। उन्होंने कलाकारों से अच्छा काम लिया है जिसकी वजह से कहानी एकदम वास्तविक लगती है। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि इस मूवी को आप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो गाइस, इस मूवी को डाउनलोड करने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, या फिर आप टेलीग्राम चैनल को उसके नाम से सर्च कर सकते हैं जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने के लिए मिल जाएगा। इस मूवी का लिंक मैंने टेलीग्राम चैनल पर दिया हुआ है, आप वहां से आसानी से इस मूवी को डाउनलोड कर सकते हैं। फिल्म में आयुष्मान खुराना लगातार अपने अभिनय से चौंका रहे हैं। वे ऐसी फिल्में चुन रहे हैं जिनमें कहानी लीक से हटकर होती है। अब आयुष्मान खुराना का होना इस बात की गारंटी बन जाता है। इस फिल्म में भी उन्होंने बेहतरीन अभिनय किया है। शराब पीकर हंगामा करना, रेने की माँ से माफी मांगना, अकड़ दिखाने वाले दृश्यों में उनका अभिनय देखने लायक है।
हेलो एवरीवन, इस वीडियो में आपके साथ बधाई और फिल्म का फुल रिव्यू शेयर करने वाला हूं। साथ ही आपको बताने वाला हूं कि इस मूवी को आप कहां से और कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप भी इस मूवी को अपने फोन पर डाउनलोड करना चाहते हैं तो अगले 5 मिनट तक बने रहिए वीडियो में। दोस्तों, ये कहानी एक ऐसे दंपति की है जो एक बार फिर से माता पिता बनने वाले हैं। नकुल कौशिक यानी कि आयुष्मान खुराना की जिंदगी में तब भूचाल आ जाता है जब उसे पता चलता है कि उसके माता पिता फिर से पेरेंट्स बनने वाले हैं, और इसका असर नकुल की लव लाइफ पर भी पड़ता है क्योंकि उसका रोमांस रेना यानी कि सानिया मल्होत्रा से चल रहा है। रेने की माँ को जब यह बात पता चलती है तो वह नकुल के परिवार को ठीक नहीं समझती। साथ ही नकुल के परिवार को इस बात को लेकर शर्मिंदगी भी झेलनी पड़ती है। लोग मजाक बनाना शुरू कर देते हैं। इस फिल्म की कहानी लीक से हटकर है, लेकिन मनोरंजन का भरपूर मसाला इसमें देखने को मिल जाएगा। फिल्म की शुरुआत धीमी है और रफ्तार तभी पकड़ती है जब नकुल के माता पिता इस बात की घोषणा करते हैं कि घर में नन्ना मेहमान आने वाला है। इसके बाद हास्य दृश्यों की झड़ी सी लग जाती है। फिल्म में केवल हास्य नहीं बल्कि इमोशन भी है। फिल्म में कई सब प्लॉट भी हैं और जरूरी नहीं है कि हर ट्रैक अच्छा ही हो। जैसे नकुल और रेने के रोमांस वाला ट्रैक कमजोर है, लेकिन फिर भी हास्य और इमोशन का मिश्रण इस फिल्म में अच्छा लगता है। कई दृश्यों में आपकी हंसी छूट जाती है। इस फिल्म का डायरेक्शन अमित रविंद्रनाथ शर्मा ने किया है और इस फिल्म के कुछ दृश्यों में उनकी पकड़ छूटती है, लेकिन ज्यादातर हिस्से में उनका नियंत्रण रहता है। उन्होंने कलाकारों से अच्छा काम लिया है जिसकी वजह से कहानी एकदम वास्तविक लगती है। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि इस मूवी को आप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो गाइस, इस मूवी को डाउनलोड करने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, या फिर आप टेलीग्राम चैनल को उसके नाम से सर्च कर सकते हैं जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने के लिए मिल जाएगा। इस मूवी का लिंक मैंने टेलीग्राम चैनल पर दिया हुआ है, आप वहाँ से आसानी से इस मूवी को डाउनलोड कर सकते हैं। फिल्म में आयुष्मान खुराना लगातार अपने अभिनय से चौंका रहे हैं। वे ऐसी फिल्में चुन रहे हैं जिनमें कहानी लीक से हटकर होती है। अब आयुष्मान खुराना का होना इस बात की गारंटी बन जाता है। इस फिल्म में भी उन्होंने बेहतरीन अभिनय किया है। शराब पीकर हंगामा करना, रेने की माँ से माफी मांगना, अकड़ दिखाने वाले दृश्यों में उनका अभिनय देखने लायक है। हेलो एवरीवन, इस वीडियो में आपके साथ बधाई और फिल्म का फुल रिव्यू शेयर करने वाला हूँ। साथ ही आपको बताने वाला हूँ कि इस मूवी को आप कहाँ से और कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप भी इस मूवी को अपने फोन पर डाउनलोड करना चाहते हैं तो अगले 5 मिनट तक बने रहिए वीडियो में। दोस्तों, ये कहानी एक ऐसे दंपति की है जो एक बार फिर से माता पिता बनने वाले हैं। नकुल कौशिक यानी कि आयुष्मान खुराना की जिंदगी में तब भूचाल आ जाता है जब उसे पता चलता है कि उसके माता पिता फिर से पेरेंट्स बनने वाले हैं, और इसका असर नकुल की लव लाइफ पर भी पड़ता है क्योंकि उसका रोमांस रेना यानी कि सानिया मल्होत्रा से चल रहा है। रेने की माँ को जब यह बात पता चलती है तो वह नकुल के परिवार को ठीक नहीं समझती। साथ ही नकुल के परिवार को इस बात को लेकर शर्मिंदगी भी झेलनी पड़ती है। लोग मजाक बनाना शुरू कर देते हैं। इस फिल्म की कहानी लीक से हटकर है, लेकिन मनोरंजन का भरपूर मसाला इसमें देखने को मिल जाएगा। फिल्म की शुरुआत धीमी है और रफ्तार तभी पकड़ती है जब नकुल के माता पिता इस बात की घोषणा करते हैं कि घर में नन्ना मेहमान आने वाला है। इसके बाद हास्य दृश्यों की झड़ी सी लग जाती है। फिल्म में केवल हास्य नहीं बल्कि इमोशन भी है। फिल्म में कई सब प्लॉट भी हैं और जरूरी नहीं है कि हर ट्रैक अच्छा ही हो। जैसे नकुल और रेने के रोमांस वाला ट्रैक कमजोर है, लेकिन फिर भी हास्य और इमोशन का मिश्रण इस फिल्म में अच्छा लगता है। कई दृश्यों में आपकी हंसी छूट जाती है। इस फिल्म का डायरेक्शन अमित रविंद्रनाथ शर्मा ने किया है, और इस फिल्म के कुछ दृश्यों में उनकी पकड़ छूटती है, लेकिन ज्यादातर हिस्से में उनका नियंत्रण रहता है। उन्होंने कलाकारों से अच्छा काम लिया है जिसकी वजह से कहानी एकदम वास्तविक लगती है। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि इस मूवी को आप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो गाइस, इस मूवी को डाउनलोड करने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, या फिर आप टेलीग्राम चैनल को उसके नाम से सर्च कर सकते हैं जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने के लिए मिल जाएगा। इस मूवी का लिंक मैंने टेलीग्राम चैनल पर दिया हुआ है, आप वहां से आसानी से इस मूवी को डाउनलोड कर सकते हैं। फिल्म में आयुष्मान खुराना लगातार अपने अभिनय से चौंका रहे हैं। वे ऐसी फिल्में चुन रहे हैं जिनमें कहानी लीक से हटकर होती है। अब आयुष्मान खुराना का होना इस बात की गारंटी बन जाता है। इस फिल्म में भी उन्होंने बेहतरीन अभिनय किया है। शराब पीकर हंगामा करना, रेने की माँ से माफी मांगना, अकड़ दिखाने वाले दृश्यों में उनका अभिनय देखने लायक है।
हेलो एवरीवन, इस वीडियो में आपके साथ बधाई और फिल्म का फुल रिव्यू शेयर करने वाला हूं। साथ ही आपको बताने वाला हूं कि इस मूवी को आप कहां से और कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप भी इस मूवी को अपने फोन पर डाउनलोड करना चाहते हैं तो अगले 5 मिनट तक बने रहिए वीडियो में। दोस्तों, ये कहानी एक ऐसे दंपति की है जो एक बार फिर से माता पिता बनने वाले हैं। नकुल कौशिक यानी कि आयुष्मान खुराना की जिंदगी में तब भूचाल आ जाता है जब उसे पता चलता है कि उसके माता पिता फिर से पेरेंट्स बनने वाले हैं। और इसका असर नकुल की लव लाइफ पर भी पड़ता है क्योंकि उसका रोमांस रेना यानी कि सानिया मल्होत्रा से चल रहा है। रेने की माँ को जब यह बात पता चलती है तो वह नकुल के परिवार को ठीक नहीं समझती। साथ ही नकुल के परिवार को इस बात को लेकर शर्मिंदगी भी झेलनी पड़ती है। लोग मजाक बनाना शुरू कर देते हैं। इस फिल्म की कहानी लीक से हटकर है लेकिन मनोरंजन का भरपूर मसाला इसमें देखने को मिल जाएगा। फिल्म की शुरुआत धीमी है और रफ्तार तभी पकड़ती है जब नकुल के माता पिता इस बात की घोषणा करते हैं कि घर में नन्ना मेहमान आने वाला है। इसके बाद हास्य दृश्यों की झड़ी सी लग जाती है। फिल्म में केवल हास्य नहीं बल्कि इमोशन भी है। फिल्म में कई सब प्लॉट भी हैं और जरूरी नहीं है कि हर ट्रैक अच्छा ही हो। जैसे नकुल और रेने के रोमांस वाला ट्रैक कमजोर है लेकिन फिर भी हास्य और इमोशन का मिश्रण इस फिल्म में अच्छा लगता है। कई दृश्यों में आपकी हंसी छूट जाती है। इस फिल्म का डायरेक्शन अमित रविंद्रनाथ शर्मा ने किया है और इस फिल्म के कुछ दृश्यों में उनकी पकड़ छूटती है लेकिन ज्यादातर हिस्से में उनका नियंत्रण रहता है। उन्होंने कलाकारों से अच्छा काम लिया है जिसकी वजह से कहानी एकदम वास्तविक लगती है। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि इस मूवी को आप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो गाइस, इस मूवी को डाउनलोड करने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा या फिर आप टेलीग्राम चैनल को उसके नाम से सर्च कर सकते हैं जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने के लिए मिल जाएगा। इस मूवी का लिंक मैंने टेलीग्राम चैनल पर दिया हुआ है, आप वहां से आसानी से इस मूवी को डाउनलोड कर सकते हैं। फिल्म में आयुष्मान खुराना लगातार अपने अभिनय से चौंका रहे हैं। वे ऐसी फिल्में चुन रहे हैं जिनमें कहानी लीक से हटकर होती है। अब आयुष्मान खुराना का होना इस बात की गारंटी बन जाता है। इस फिल्म में भी उन्होंने बेहतरीन अभिनय किया है। शराब पीकर हंगामा करना, रेने की माँ से माफी मांगना, अकड़ दिखाने वाले दृश्यों में उनका अभिनय देखने लायक है। हेलो एवरीवन, इस वीडियो में आपके साथ बधाई और फिल्म का फुल रिव्यू शेयर करने वाला हूँ। साथ ही आपको बताने वाला हूँ कि इस मूवी को आप कहाँ से और कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप भी इस मूवी को अपने फोन पर डाउनलोड करना चाहते हैं तो अगले 5 मिनट तक बने रहिए वीडियो में। दोस्तों, ये कहानी एक ऐसे दंपति की है जो एक बार फिर से माता पिता बनने वाले हैं। नकुल कौशिक यानी कि आयुष्मान खुराना की जिंदगी में तब भूचाल आ जाता है जब उसे पता चलता है कि उसके माता पिता फिर से पेरेंट्स बनने वाले हैं। और इसका असर नकुल की लव लाइफ पर भी पड़ता है क्योंकि उसका रोमांस रेना यानी कि सानिया मल्होत्रा से चल रहा है। रेने की माँ को जब यह बात पता चलती है तो वह नकुल के परिवार को ठीक नहीं समझती। साथ ही नकुल के परिवार को इस बात को लेकर शर्मिंदगी भी झेलनी पड़ती है। लोग मजाक बनाना शुरू कर देते हैं। इस फिल्म की कहानी लीक से हटकर है लेकिन मनोरंजन का भरपूर मसाला इसमें देखने को मिल जाएगा। फिल्म की शुरुआत धीमी है और रफ्तार तभी पकड़ती है जब नकुल के माता पिता इस बात की घोषणा करते हैं कि घर में नन्ना मेहमान आने वाला है। इसके बाद हास्य दृश्यों की झड़ी सी लग जाती है। फिल्म में केवल हास्य नहीं बल्कि इमोशन भी है। फिल्म में कई सब प्लॉट भी हैं और जरूरी नहीं है कि हर ट्रैक अच्छा ही हो। जैसे नकुल और रेने के रोमांस वाला ट्रैक कमजोर है लेकिन फिर भी हास्य और इमोशन का मिश्रण इस फिल्म में अच्छा लगता है। कई दृश्यों में आपकी हंसी छूट जाती है। इस फिल्म का डायरेक्शन अमित रविंद्रनाथ शर्मा ने किया है और इस फिल्म के कुछ दृश्यों में उनकी पकड़ छूटती है लेकिन ज्यादातर हिस्से में उनका नियंत्रण रहता है। उन्होंने कलाकारों से अच्छा काम लिया है जिसकी वजह से कहानी एकदम वास्तविक लगती है। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि इस मूवी को आप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो गाइस, इस मूवी को डाउनलोड करने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा या फिर आप टेलीग्राम चैनल को उसके नाम से सर्च कर सकते हैं जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने के लिए मिल जाएगा। इस मूवी का लिंक मैंने टेलीग्राम चैनल पर दिया हुआ है, आप वहां से आसानी से इस मूवी को डाउनलोड कर सकते हैं। फिल्म में आयुष्मान खुराना लगातार अपने अभिनय से चौंका रहे हैं। वे ऐसी फिल्में चुन रहे हैं जिनमें कहानी लीक से हटकर होती है। अब आयुष्मान खुराना का होना इस बात की गारंटी बन जाता है। इस फिल्म में भी उन्होंने बेहतरीन अभिनय किया है। शराब पीकर हंगामा करना, रेने की माँ से माफी मांगना, अकड़ दिखाने वाले दृश्यों में उनका अभिनय देखने लायक है।
हेलो एवरीवन, इस वीडियो में आपके साथ बधाईयों फिल्म का फुल रिव्यू शेयर करने वाला हूं। साथ ही आपको बताने वाला हूं कि इस मूवी को आप कहां से और कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप भी इस मूवी को अपने फोन पर डाउनलोड करना चाहते हैं तो अगले 5 मिनट तक बने रहिए वीडियो में। दोस्तों, ये कहानी एक ऐसे दंपति की है जो एक बार फिर से माता पिता बनने वाले हैं। नकुल कौशिक यानी कि आयुष्मान खुराना की जिंदगी में तब भूचाल आ जाता है जब उसे पता चलता है कि उसके माता पिता फिर से पेरेंट्स बनने वाले हैं। और इसका असर नकुल की लव लाइफ पर भी पड़ता है क्योंकि उसका रोमांस रेना यानी कि सानिया मल्होत्रा से चल रहा है। रेने की माँ को जब यह बात पता चलती है तो वह नकुल के परिवार को ठीक नहीं समझती। साथ ही नकुल के परिवार को इस बात को लेकर शर्मिंदगी भी झेलनी पड़ती है। लोग मजाक बनाना शुरू कर देते हैं। इस फिल्म की कहानी लीक से हटकर है लेकिन मनोरंजन का भरपूर मसाला इसमें देखने को मिल जाएगा। फिल्म की शुरुआत धीमी है और रफ्तार तभी पकड़ती है जब नकुल के माता पिता इस बात की घोषणा करती हैं कि घर में नन्ना मेहमान आने वाला है। इसके बाद हास्य दृश्यों की झड़ी सी लग जाती है। फिल्म में केवल हास्य नहीं बल्कि इमोशन भी है। फिल्म में कई सब प्लॉट भी हैं और जरूरी नहीं है कि हर ट्रैक अच्छा ही हो। जैसे नकुल और रेने के रोमांस वाला ट्रैक कमजोर है लेकिन फिर भी हास्य और इमोशन का मिश्रण इस फिल्म में अच्छा लगता है। कई दृश्यों में आपकी हंसी छूट जाती है। इस फिल्म का डायरेक्शन अमित रविंद्रनाथ शर्मा ने किया है और इस फिल्म के कुछ दृश्यों में उनकी पकड़ छूटती है लेकिन ज्यादातर हिस्से में उनका नियंत्रण रहता है। उन्होंने कलाकारों से अच्छा काम लिया है जिसकी वजह से कहानी एकदम वास्तविक लगती है। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि इस मूवी को आप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो गाइस, इस मूवी को डाउनलोड करने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा या फिर आप टेलीग्राम चैनल को उसके नाम से सर्च कर सकते हैं जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने के लिए मिल जाएगा। इस मूवी का लिंक मैंने टेलीग्राम चैनल पर दिया हुआ है, आप वहां से आसानी से इस मूवी को डाउनलोड कर सकते हैं। फिल्म में आयुष्मान खुराना लगातार अपने अभिनय से चौंका रहे हैं। वे ऐसी फिल्में चुन रहे हैं जिनमें कहानी लीक से हटकर होती है। अब आयुष्मान खुराना का होना इस बात की गारंटी बन जाता है। इस फिल्म में भी उन्होंने बेहतरीन अभिनय किया है। शराब पीकर हंगामा करना, रेने की माँ से माफी मांगना, अकड़ दिखाने वाले दृश्यों में उनका अभिनय देखने लायक है। हेलो एवरीवन, इस वीडियो में आपके साथ बधाईयों फिल्म का फुल रिव्यू शेयर करने वाला हूँ। साथ ही आपको बताने वाला हूँ कि इस मूवी को आप कहाँ से और कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप भी इस मूवी को अपने फोन पर डाउनलोड करना चाहते हैं तो अगले 5 मिनट तक बने रहिए वीडियो में। दोस्तों, ये कहानी एक ऐसे दंपति की है जो एक बार फिर से माता पिता बनने वाले हैं। नकुल कौशिक यानी कि आयुष्मान खुराना की जिंदगी में तब भूचाल आ जाता है जब उसे पता चलता है कि उसके माता पिता फिर से पेरेंट्स बनने वाले हैं। और इसका असर नकुल की लव लाइफ पर भी पड़ता है क्योंकि उसका रोमांस रेना यानी कि सानिया मल्होत्रा से चल रहा है। रेने की माँ को जब यह बात पता चलती है तो वह नकुल के परिवार को ठीक नहीं समझती। साथ ही नकुल के परिवार को इस बात को लेकर शर्मिंदगी भी झेलनी पड़ती है। लोग मजाक बनाना शुरू कर देते हैं। इस फिल्म की कहानी लीक से हटकर है लेकिन मनोरंजन का भरपूर मसाला इसमें देखने को मिल जाएगा। फिल्म की शुरुआत धीमी है और रफ्तार तभी पकड़ती है जब नकुल के माता पिता इस बात की घोषणा करते हैं कि घर में नन्ना मेहमान आने वाला है। इसके बाद हास्य दृश्यों की झड़ी सी लग जाती है। फिल्म में केवल हास्य नहीं बल्कि इमोशन भी है। फिल्म में कई सब प्लॉट भी हैं और जरूरी नहीं है कि हर ट्रैक अच्छा ही हो। जैसे नकुल और रेने के रोमांस वाला ट्रैक कमजोर है लेकिन फिर भी हास्य और इमोशन का मिश्रण इस फिल्म में अच्छा लगता है। कई दृश्यों में आपकी हंसी छूट जाती है। इस फिल्म का डायरेक्शन अमित रविंद्रनाथ शर्मा ने किया है और इस फिल्म के कुछ दृश्यों में उनकी पकड़ छूटती है लेकिन ज्यादातर हिस्से में उनका नियंत्रण रहता है। उन्होंने कलाकारों से अच्छा काम लिया है जिसकी वजह से कहानी एकदम वास्तविक लगती है। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि इस मूवी को आप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो गाइस, इस मूवी को डाउनलोड करने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा या फिर आप टेलीग्राम चैनल को उसके नाम से सर्च कर सकते हैं जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने के लिए मिल जाएगा। इस मूवी का लिंक मैंने टेलीग्राम चैनल पर दिया हुआ है, आप वहां से आसानी से इस मूवी को डाउनलोड कर सकते हैं। फिल्म में आयुष्मान खुराना लगातार अपने अभिनय से चौंका रहे हैं। वे ऐसी फिल्में चुन रहे हैं जिनमें कहानी लीक से हटकर होती है। अब आयुष्मान खुराना का होना इस बात की गारंटी बन जाता है। इस फिल्म में भी उन्होंने बेहतरीन अभिनय किया है। शराब पीकर हंगामा करना, रेने की माँ से माफी मांगना, अकड़ दिखाने वाले दृश्यों में उनका अभिनय देखने लायक है।
हेलो एवरीवन, इस वीडियो में आपके साथ बधाईयों फिल्म का फुल रिव्यू शेयर करने वाला हूं। साथ ही आपको बताने वाला हूं कि इस मूवी को आप कहां से और कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप भी इस मूवी को अपने फोन पर डाउनलोड करना चाहते हैं तो अगले 5 मिनट तक बने रहिए वीडियो में। दोस्तों, ये कहानी एक ऐसे दंपति की है जो एक बार फिर से माता पिता बनने वाले हैं। नकुल कौशिक यानी कि आयुष्मान खुराना की जिंदगी में तब भूचाल आ जाता है जब उसे पता चलता है कि उसके माता पिता फिर से पेरेंट्स बनने वाले हैं। और इसका असर नकुल की लव लाइफ पर भी पड़ता है, क्योंकि उसका रोमांस रेना यानी कि सानिया मल्होत्रा से चल रहा है। रेने की माँ को जब यह बात पता चलती है तो वह नकुल के परिवार को ठीक नहीं समझती। साथ ही नकुल के परिवार को इस बात को लेकर शर्मिंदगी भी झेलनी पड़ती है। लोग मजाक बनाना शुरू कर देते हैं। इस फिल्म की कहानी लीक से हटकर है, लेकिन मनोरंजन का भरपूर मसाला इसमें देखने को मिल जाएगा। फिल्म की शुरुआत धीमी है और रफ्तार तभी पकड़ती है जब नकुल के माता पिता इस बात की घोषणा करती हैं कि घर में नन्ना मेहमान आने वाला है। इसके बाद हास्य दृश्यों की झड़ी सी लग जाती है। फिल्म में केवल हास्य नहीं बल्कि इमोशन भी है। फिल्म में कई सब प्लॉट भी हैं और जरूरी नहीं है कि हर ट्रैक अच्छा ही हो। जैसे नकुल और रेने के रोमांस वाला ट्रैक कमजोर है, लेकिन फिर भी हास्य और इमोशन का मिश्रण इस फिल्म में अच्छा लगता है। कई दृश्यों में आपकी हंसी छूट जाती है। इस फिल्म का डायरेक्शन अमित रविंद्रनाथ शर्मा ने किया है और इस फिल्म के कुछ दृश्यों में उनकी पकड़ छूटती है, लेकिन ज्यादातर हिस्से में उनका नियंत्रण रहता है। उन्होंने कलाकारों से अच्छा काम लिया है जिसकी वजह से कहानी एकदम वास्तविक लगती है। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि इस मूवी को आप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो गाइस, इस मूवी को डाउनलोड करने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, या फिर आप टेलीग्राम चैनल को उसके नाम से सर्च कर सकते हैं जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने के लिए मिल जाएगा। इस मूवी का लिंक मैंने टेलीग्राम चैनल पर दिया हुआ है, आप वहां से आसानी से इस मूवी को डाउनलोड कर सकते हैं। फिल्म में आयुष्मान खुराना लगातार अपने अभिनय से चौंका रहे हैं। वे ऐसी फिल्में चुन रहे हैं जिनमें कहानी लीक से हटकर होती है। अब आयुष्मान खुराना का होना इस बात की गारंटी बन जाता है। इस फिल्म में भी उन्होंने बेहतरीन अभिनय किया है। शराब पीकर हंगामा करना, रेने की माँ से माफी मांगना, अकड़ दिखाने वाले दृश्यों में उनका अभिनय देखने लायक है। हेलो एवरीवन, इस वीडियो में आपके साथ बधाईयों फिल्म का फुल रिव्यू शेयर करने वाला हूँ। साथ ही आपको बताने वाला हूँ कि इस मूवी को आप कहाँ से और कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप भी इस मूवी को अपने फोन पर डाउनलोड करना चाहते हैं तो अगले 5 मिनट तक बने रहिए वीडियो में। दोस्तों, ये कहानी एक ऐसे दंपति की है जो एक बार फिर से माता पिता बनने वाले हैं। नकुल कौशिक यानी कि आयुष्मान खुराना की जिंदगी में तब भूचाल आ जाता है जब उसे पता चलता है कि उसके माता पिता फिर से पेरेंट्स बनने वाले हैं। और इसका असर नकुल की लव लाइफ पर भी पड़ता है, क्योंकि उसका रोमांस रेना यानी कि सानिया मल्होत्रा से चल रहा है। रेने की माँ को जब यह बात पता चलती है तो वह नकुल के परिवार को ठीक नहीं समझती। साथ ही नकुल के परिवार को इस बात को लेकर शर्मिंदगी भी झेलनी पड़ती है। लोग मजाक बनाना शुरू कर देते हैं। इस फिल्म की कहानी लीक से हटकर है, लेकिन मनोरंजन का भरपूर मसाला इसमें देखने को मिल जाएगा। फिल्म की शुरुआत धीमी है और रफ्तार तभी पकड़ती है जब नकुल के माता पिता इस बात की घोषणा करते हैं कि घर में नन्ना मेहमान आने वाला है। इसके बाद हास्य दृश्यों की झड़ी सी लग जाती है। फिल्म में केवल हास्य नहीं बल्कि इमोशन भी है। फिल्म में कई सब प्लॉट भी हैं और जरूरी नहीं है कि हर ट्रैक अच्छा ही हो। जैसे नकुल और रेने के रोमांस वाला ट्रैक कमजोर है, लेकिन फिर भी हास्य और इमोशन का मिश्रण इस फिल्म में अच्छा लगता है। कई दृश्यों में आपकी हंसी छूट जाती है। इस फिल्म का डायरेक्शन अमित रविंद्रनाथ शर्मा ने किया है और इस फिल्म के कुछ दृश्यों में उनकी पकड़ छूटती है, लेकिन ज्यादातर हिस्से में उनका नियंत्रण रहता है। उन्होंने कलाकारों से अच्छा काम लिया है जिसकी वजह से कहानी एकदम वास्तविक लगती है। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि इस मूवी को आप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो गाइस, इस मूवी को डाउनलोड करने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, या फिर आप टेलीग्राम चैनल को उसके नाम से सर्च कर सकते हैं जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने के लिए मिल जाएगा। इस मूवी का लिंक मैंने टेलीग्राम चैनल पर दिया हुआ है, आप वहां से आसानी से इस मूवी को डाउनलोड कर सकते हैं। फिल्म में आयुष्मान खुराना लगातार अपने अभिनय से चौंका रहे हैं। वे ऐसी फिल्में चुन रहे हैं जिनमें कहानी लीक से हटकर होती है। अब आयुष्मान खुराना का होना इस बात की गारंटी बन जाता है। इस फिल्म में भी उन्होंने बेहतरीन अभिनय किया है। शराब पीकर हंगामा करना, रेने की माँ से माफी मांगना, अकड़ दिखाने वाले दृश्यों में उनका अभिनय देखने लायक है।
हेलो एवरीवन, इस वीडियो में आपके साथ बधाईयों फिल्म का फुल रिव्यू शेयर करने वाला हूं। साथ ही आपको बताने वाला हूं कि इस मूवी को आप कहां से और कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप भी इस मूवी को अपने फोन पर डाउनलोड करना चाहते हैं तो अगले 5 मिनट तक बने रहिए वीडियो में। दोस्तों, ये कहानी एक ऐसे दंपति की है जो एक बार फिर से माता पिता बनने वाले हैं। नकुल कौशिक यानी कि आयुष्मान खुराना की जिंदगी में तब भूचाल आ जाता है जब उसे पता चलता है कि उसके माता पिता फिर से पेरेंट्स बनने वाले हैं। और इसका असर नकुल की लव लाइफ पर भी पड़ता है, क्योंकि उसका रोमांस रेना यानी कि सानिया मल्होत्रा से चल रहा है। रेने की माँ को जब यह बात पता चलती है तो वह नकुल के परिवार को ठीक नहीं समझती। साथ ही नकुल के परिवार को इस बात को लेकर शर्मिंदगी भी झेलनी पड़ती है। लोग मजाक बनाना शुरू कर देते हैं। इस फिल्म की कहानी लीक से हटकर है, लेकिन मनोरंजन का भरपूर मसाला इसमें देखने को मिल जाएगा। फिल्म की शुरुआत धीमी है और रफ्तार तभी पकड़ती है जब नकुल के माता पिता इस बात की घोषणा करते हैं कि घर में नन्ना मेहमान आने वाला है। इसके बाद हास्य दृश्यों की झड़ी सी लग जाती है। फिल्म में केवल हास्य नहीं बल्कि इमोशन भी है। फिल्म में कई सब प्लॉट भी हैं और जरूरी नहीं है कि हर ट्रैक अच्छा ही हो। जैसे नकुल और रेने के रोमांस वाला ट्रैक कमजोर है, लेकिन फिर भी हास्य और इमोशन का मिश्रण इस फिल्म में अच्छा लगता है। कई दृश्यों में आपकी हंसी छूट जाती है। इस फिल्म का डायरेक्शन अमित रविंद्रनाथ शर्मा ने किया है और इस फिल्म के कुछ दृश्यों में उनकी पकड़ छूटती है, लेकिन ज्यादातर हिस्से में उनका नियंत्रण रहता है। उन्होंने कलाकारों से अच्छा काम लिया है जिसकी वजह से कहानी एकदम वास्तविक लगती है। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि इस मूवी को आप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो गाइस, इस मूवी को डाउनलोड करने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, या फिर आप टेलीग्राम चैनल को उसके नाम से सर्च कर सकते हैं जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने के लिए मिल जाएगा। इस मूवी का लिंक मैंने टेलीग्राम चैनल पर दिया हुआ है, आप वहां से आसानी से इस मूवी को डाउनलोड कर सकते हैं। फिल्म में आयुष्मान खुराना लगातार अपने अभिनय से चौंका रहे हैं। वे ऐसी फिल्में चुन रहे हैं जिनमें कहानी लीक से हटकर होती है। अब आयुष्मान खुराना का होना इस बात की गारंटी बन जाता है। इस फिल्म में भी उन्होंने बेहतरीन अभिनय किया है। शराब पीकर हंगामा करना, रेने की माँ से माफी मांगना, अकड़ दिखाने वाले दृश्यों में उनका अभिनय देखने लायक है। हेलो एवरीवन, इस वीडियो में आपके साथ बधाईयों फिल्म का फुल रिव्यू शेयर करने वाला हूं। साथ ही आपको बताने वाला हूं कि इस मूवी को आप कहां से और कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप भी इस मूवी को अपने फोन पर डाउनलोड करना चाहते हैं तो अगले 5 मिनट तक बने रहिए वीडियो में। दोस्तों, ये कहानी एक ऐसे दंपति की है जो एक बार फिर से माता पिता बनने वाले हैं। नकुल कौशिक यानी कि आयुष्मान खुराना की जिंदगी में तब भूचाल आ जाता है जब उसे पता चलता है कि उसके माता पिता फिर से पेरेंट्स बनने वाले हैं। और इसका असर नकुल की लव लाइफ पर भी पड़ता है, क्योंकि उसका रोमांस रेना यानी कि सानिया मल्होत्रा से चल रहा है। रेने की माँ को जब यह बात पता चलती है तो वह नकुल के परिवार को ठीक नहीं समझती। साथ ही नकुल के परिवार को इस बात को लेकर शर्मिंदगी भी झेलनी पड़ती है। लोग मजाक बनाना शुरू कर देते हैं। इस फिल्म की कहानी लीक से हटकर है, लेकिन मनोरंजन का भरपूर मसाला इसमें देखने को मिल जाएगा। फिल्म की शुरुआत धीमी है और रफ्तार तभी पकड़ती है जब नकुल के माता पिता इस बात की घोषणा करते हैं कि घर में नन्ना मेहमान आने वाला है। इसके बाद हास्य दृश्यों की झड़ी सी लग जाती है। फिल्म में केवल हास्य नहीं बल्कि इमोशन भी है। फिल्म में कई सब प्लॉट भी हैं और जरूरी नहीं है कि हर ट्रैक अच्छा ही हो। जैसे नकुल और रेने के रोमांस वाला ट्रैक कमजोर है, लेकिन फिर भी हास्य और इमोशन का मिश्रण इस फिल्म में अच्छा लगता है। कई दृश्यों में आपकी हंसी छूट जाती है। इस फिल्म का डायरेक्शन अमित रविंद्रनाथ शर्मा ने किया है और इस फिल्म के कुछ दृश्यों में उनकी पकड़ छूटती है, लेकिन ज्यादातर हिस्से में उनका नियंत्रण रहता है। उन्होंने कलाकारों से अच्छा काम लिया है जिसकी वजह से कहानी एकदम वास्तविक लगती है। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि इस मूवी को आप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो गाइस, इस मूवी को डाउनलोड करने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, या फिर आप टेलीग्राम चैनल को उसके नाम से सर्च कर सकते हैं जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने के लिए मिल जाएगा। इस मूवी का लिंक मैंने टेलीग्राम चैनल पर दिया हुआ है, आप वहां से आसानी से इस मूवी को डाउनलोड कर सकते हैं। फिल्म में आयुष्मान खुराना लगातार अपने अभिनय से चौंका रहे हैं। वे ऐसी फिल्में चुन रहे हैं जिनमें कहानी लीक से हटकर होती है। अब आयुष्मान खुराना का होना इस बात की गारंटी बन जाता है। इस फिल्म में भी उन्होंने बेहतरीन अभिनय किया है। शराब पीकर हंगामा करना, रेने की माँ से माफी मांगना, अकड़ दिखाने वाले दृश्यों में उनका अभिनय देखने लायक है।
हेलो एवरीवन, इस वीडियो में आपके साथ बधाईयों फिल्म का फुल रिव्यू शेयर करने वाला हूं। साथ ही आपको बताने वाला हूं कि इस मूवी को आप कहां से और कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप भी इस मूवी को अपने फोन पर डाउनलोड करना चाहते हैं तो अगले 5 मिनट तक बने रहिए वीडियो में। दोस्तों, ये कहानी एक ऐसे दंपति की है जो एक बार फिर से माता पिता बनने वाले हैं। नकुल कौशिक यानी कि आयुष्मान खुराना की जिंदगी में तब भूचाल आ जाता है जब उसे पता चलता है कि उसके माता पिता फिर से पेरेंट्स बनने वाले हैं, और इसका असर नकुल की लव लाइफ पर भी पड़ता है क्योंकि उसका रोमांस रेना यानी कि सानिया मल्होत्रा से चल रहा है। रेने की माँ को जब यह बात पता चलती है तो वह नकुल के परिवार को ठीक नहीं समझती। साथ ही नकुल के परिवार को इस बात को लेकर शर्मिंदगी भी झेलनी पड़ती है। लोग मजाक बनाना शुरू कर देते हैं। इस फिल्म की कहानी लीक से हटकर है, लेकिन मनोरंजन का भरपूर मसाला इसमें देखने को मिल जाएगा। फिल्म की शुरुआत धीमी है और रफ्तार तभी पकड़ती है जब नकुल के माता पिता इस बात की घोषणा करते हैं कि घर में नन्ना मेहमान आने वाला है। इसके बाद हास्य दृश्यों की झड़ी सी लग जाती है। फिल्म में केवल हास्य नहीं बल्कि इमोशन भी है। फिल्म में कई सब प्लॉट भी हैं और जरूरी नहीं है कि हर ट्रैक अच्छा ही हो। जैसे नकुल और रेने के रोमांस वाला ट्रैक कमजोर है, लेकिन फिर भी हास्य और इमोशन का मिश्रण इस फिल्म में अच्छा लगता है। कई दृश्यों में आपकी हंसी छूट जाती है। इस फिल्म का डायरेक्शन अमित रविंद्रनाथ शर्मा ने किया है और इस फिल्म के कुछ दृश्यों में उनकी पकड़ छूटती है, लेकिन ज्यादातर हिस्से में उनका नियंत्रण रहता है। उन्होंने कलाकारों से अच्छा काम लिया है जिसकी वजह से कहानी एकदम वास्तविक लगती है। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि इस मूवी को आप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो गाइस, इस मूवी को डाउनलोड करने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, या फिर आप टेलीग्राम चैनल को उसके नाम से सर्च कर सकते हैं जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने के लिए मिल जाएगा। इस मूवी का लिंक मैंने टेलीग्राम चैनल पर दिया हुआ है, आप वहां से आसानी से इस मूवी को डाउनलोड कर सकते हैं। फिल्म में आयुष्मान खुराना लगातार अपने अभिनय से चौंका रहे हैं। वे ऐसी फिल्में चुन रहे हैं जिनमें कहानी लीक से हटकर होती है। अब आयुष्मान खुराना का होना इस बात की गारंटी बन जाता है। इस फिल्म में भी उन्होंने बेहतरीन अभिनय किया है। शराब पीकर हंगामा करना, रेने की माँ से माफी मांगना, अकड़ दिखाने वाले दृश्यों में उनका अभिनय देखने लायक है। हेलो एवरीवन, इस वीडियो में आपके साथ बधाईयों फिल्म का फुल रिव्यू शेयर करने वाला हूँ। साथ ही आपको बताने वाला हूँ कि इस मूवी को आप कहाँ से और कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप भी इस मूवी को अपने फोन पर डाउनलोड करना चाहते हैं तो अगले 5 मिनट तक बने रहिए वीडियो में। दोस्तों, ये कहानी एक ऐसे दंपति की है जो एक बार फिर से माता पिता बनने वाले हैं। नकुल कौशिक यानी कि आयुष्मान खुराना की जिंदगी में तब भूचाल आ जाता है जब उसे पता चलता है कि उसके माता पिता फिर से पेरेंट्स बनने वाले हैं, और इसका असर नकुल की लव लाइफ पर भी पड़ता है क्योंकि उसका रोमांस रेना यानी कि सानिया मल्होत्रा से चल रहा है। रेने की माँ को जब यह बात पता चलती है तो वह नकुल के परिवार को ठीक नहीं समझती। साथ ही नकुल के परिवार को इस बात को लेकर शर्मिंदगी भी झेलनी पड़ती है। लोग मजाक बनाना शुरू कर देते हैं। इस फिल्म की कहानी लीक से हटकर है, लेकिन मनोरंजन का भरपूर मसाला इसमें देखने को मिल जाएगा। फिल्म की शुरुआत धीमी है और रफ्तार तभी पकड़ती है जब नकुल के माता पिता इस बात की घोषणा करते हैं कि घर में नन्ना मेहमान आने वाला है। इसके बाद हास्य दृश्यों की झड़ी सी लग जाती है। फिल्म में केवल हास्य नहीं बल्कि इमोशन भी है। फिल्म में कई सब प्लॉट भी हैं और जरूरी नहीं है कि हर ट्रैक अच्छा ही हो। जैसे नकुल और रेने के रोमांस वाला ट्रैक कमजोर है, लेकिन फिर भी हास्य और इमोशन का मिश्रण इस फिल्म में अच्छा लगता है। कई दृश्यों में आपकी हंसी छूट जाती है। इस फिल्म का डायरेक्शन अमित रविंद्रनाथ शर्मा ने किया है, और इस फिल्म के कुछ दृश्यों में उनकी पकड़ छूटती है, लेकिन ज्यादातर हिस्से में उनका नियंत्रण रहता है। उन्होंने कलाकारों से अच्छा काम लिया है जिसकी वजह से कहानी एकदम वास्तविक लगती है। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि इस मूवी को आप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो गाइस, इस मूवी को डाउनलोड करने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, या फिर आप टेलीग्राम चैनल को उसके नाम से सर्च कर सकते हैं जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने के लिए मिल जाएगा। इस मूवी का लिंक मैंने टेलीग्राम चैनल पर दिया हुआ है, आप वहां से आसानी से इस मूवी को डाउनलोड कर सकते हैं। फिल्म में आयुष्मान खुराना लगातार अपने अभिनय से चौंका रहे हैं। वे ऐसी फिल्में चुन रहे हैं जिनमें कहानी लीक से हटकर होती है। अब आयुष्मान खुराना का होना इस बात की गारंटी बन जाता है। इस फिल्म में भी उन्होंने बेहतरीन अभिनय किया है। शराब पीकर हंगामा करना, रेने की माँ से माफी मांगना, अकड़ दिखाने वाले दृश्यों में उनका अभिनय देखने लायक है।
हेलो एवरीवन, इस वीडियो में आपके साथ बधाई और फिल्म का फुल रिव्यू शेयर करने वाला हूं। साथ ही आपको बताने वाला हूं कि इस मूवी को आप कहां से और कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप भी इस मूवी को अपने फोन पर डाउनलोड करना चाहते हैं तो अगले 5 मिनट तक बने रहिए वीडियो में। दोस्तों, ये कहानी एक ऐसे दंपति की है जो एक बार फिर से माता पिता बनने वाले हैं। नकुल कौशिक यानी कि आयुष्मान खुराना की जिंदगी में तब भूचाल आ जाता है जब उसे पता चलता है कि उसके माता पिता फिर से पेरेंट्स बनने वाले हैं। और इसका असर नकुल की लव लाइफ पर भी पड़ता है क्योंकि उसका रोमांस रेना यानी कि सानिया मल्होत्रा से चल रहा है। रेने की माँ को जब यह बात पता चलती है तो वह नकुल के परिवार को ठीक नहीं समझती। साथ ही नकुल के परिवार को इस बात को लेकर शर्मिंदगी भी झेलनी पड़ती है। लोग मजाक बनाना शुरू कर देते हैं। इस फिल्म की कहानी लीक से हटकर है लेकिन मनोरंजन का भरपूर मसाला इसमें देखने को मिल जाएगा। फिल्म की शुरुआत धीमी है और रफ्तार तभी पकड़ती है जब नकुल के माता पिता इस बात की घोषणा करते हैं कि घर में नन्ना मेहमान आने वाला है। इसके बाद हास्य दृश्यों की झड़ी सी लग जाती है। फिल्म में केवल हास्य नहीं बल्कि इमोशन भी है। फिल्म में कई सब प्लॉट भी हैं और जरूरी नहीं है कि हर ट्रैक अच्छा ही हो। जैसे नकुल और रेने के रोमांस वाला ट्रैक कमजोर है लेकिन फिर भी हास्य और इमोशन का मिश्रण इस फिल्म में अच्छा लगता है। कई दृश्यों में आपकी हंसी छूट जाती है। इस फिल्म का डायरेक्शन अमित रविंद्रनाथ शर्मा ने किया है और इस फिल्म के कुछ दृश्यों में उनकी पकड़ छूटती है लेकिन ज्यादातर हिस्से में उनका नियंत्रण रहता है। उन्होंने कलाकारों से अच्छा काम लिया है जिसकी वजह से कहानी एकदम वास्तविक लगती है। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि इस मूवी को आप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो गाइस, इस मूवी को डाउनलोड करने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा या फिर आप टेलीग्राम चैनल को उसके नाम से सर्च कर सकते हैं जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने के लिए मिल जाएगा। इस मूवी का लिंक मैंने टेलीग्राम चैनल पर दिया हुआ है, आप वहां से आसानी से इस मूवी को डाउनलोड कर सकते हैं। फिल्म में आयुष्मान खुराना लगातार अपने अभिनय से चौंका रहे हैं। वे ऐसी फिल्में चुन रहे हैं जिनमें कहानी लीक से हटकर होती है। अब आयुष्मान खुराना का होना इस बात की गारंटी बन जाता है। इस फिल्म में भी उन्होंने बेहतरीन अभिनय किया है। शराब पीकर हंगामा करना, रेने की माँ से माफी मांगना, अकड़ दिखाने वाले दृश्यों में उनका अभिनय देखने लायक है। हेलो एवरीवन, इस वीडियो में आपके साथ बधाई और फिल्म का फुल रिव्यू शेयर करने वाला हूँ। साथ ही आपको बताने वाला हूँ कि इस मूवी को आप कहाँ से और कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप भी इस मूवी को अपने फोन पर डाउनलोड करना चाहते हैं तो अगले 5 मिनट तक बने रहिए वीडियो में। दोस्तों, ये कहानी एक ऐसे दंपति की है जो एक बार फिर से माता पिता बनने वाले हैं। नकुल कौशिक यानी कि आयुष्मान खुराना की जिंदगी में तब भूचाल आ जाता है जब उसे पता चलता है कि उसके माता पिता फिर से पेरेंट्स बनने वाले हैं। और इसका असर नकुल की लव लाइफ पर भी पड़ता है क्योंकि उसका रोमांस रेना यानी कि सानिया मल्होत्रा से चल रहा है। रेने की माँ को जब यह बात पता चलती है तो वह नकुल के परिवार को ठीक नहीं समझती। साथ ही नकुल के परिवार को इस बात को लेकर शर्मिंदगी भी झेलनी पड़ती है। लोग मजाक बनाना शुरू कर देते हैं। इस फिल्म की कहानी लीक से हटकर है लेकिन मनोरंजन का भरपूर मसाला इसमें देखने को मिल जाएगा। फिल्म की शुरुआत धीमी है और रफ्तार तभी पकड़ती है जब नकुल के माता पिता इस बात की घोषणा करते हैं कि घर में नन्ना मेहमान आने वाला है। इसके बाद हास्य दृश्यों की झड़ी सी लग जाती है। फिल्म में केवल हास्य नहीं बल्कि इमोशन भी है। फिल्म में कई सब प्लॉट भी हैं और जरूरी नहीं है कि हर ट्रैक अच्छा ही हो। जैसे नकुल और रेने के रोमांस वाला ट्रैक कमजोर है लेकिन फिर भी हास्य और इमोशन का मिश्रण इस फिल्म में अच्छा लगता है। कई दृश्यों में आपकी हंसी छूट जाती है। इस फिल्म का डायरेक्शन अमित रविंद्रनाथ शर्मा ने किया है और इस फिल्म के कुछ दृश्यों में उनकी पकड़ छूटती है लेकिन ज्यादातर हिस्से में उनका नियंत्रण रहता है। उन्होंने कलाकारों से अच्छा काम लिया है जिसकी वजह से कहानी एकदम वास्तविक लगती है। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि इस मूवी को आप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो गाइस, इस मूवी को डाउनलोड करने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा या फिर आप टेलीग्राम चैनल को उसके नाम से सर्च कर सकते हैं जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने के लिए मिल जाएगा। इस मूवी का लिंक मैंने टेलीग्राम चैनल पर दिया हुआ है, आप वहां से आसानी से इस मूवी को डाउनलोड कर सकते हैं। फिल्म में आयुष्मान खुराना लगातार अपने अभिनय से चौंका रहे हैं। वे ऐसी फिल्में चुन रहे हैं जिनमें कहानी लीक से हटकर होती है। अब आयुष्मान खुराना का होना इस बात की गारंटी बन जाता है। इस फिल्म में भी उन्होंने बेहतरीन अभिनय किया है। शराब पीकर हंगामा करना, रेने की माँ से माफी मांगना, अकड़ दिखाने वाले दृश्यों में उनका अभिनय देखने लायक है।
हेलो एवरीवन, इस वीडियो में आपके साथ बधाईयों फिल्म का फुल रिव्यू शेयर करने वाला हूं। साथ ही आपको बताने वाला हूं कि इस मूवी को आप कहां से और कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप भी इस मूवी को अपने फोन पर डाउनलोड करना चाहते हैं तो अगले 5 मिनट तक बने रहिए वीडियो में। दोस्तों, ये कहानी एक ऐसे दंपति की है जो एक बार फिर से माता पिता बनने वाले हैं। नकुल कौशिक यानी कि आयुष्मान खुराना की जिंदगी में तब भूचाल आ जाता है जब उसे पता चलता है कि उसके माता पिता फिर से पेरेंट्स बनने वाले हैं। और इसका असर नकुल की लव लाइफ पर भी पड़ता है क्योंकि उसका रोमांस रेना यानी कि सानिया मल्होत्रा से चल रहा है। रेने की माँ को जब यह बात पता चलती है तो वह नकुल के परिवार को ठीक नहीं समझती। साथ ही नकुल के परिवार को इस बात को लेकर शर्मिंदगी भी झेलनी पड़ती है। लोग मजाक बनाना शुरू कर देते हैं। इस फिल्म की कहानी लीक से हटकर है लेकिन मनोरंजन का भरपूर मसाला इसमें देखने को मिल जाएगा। फिल्म की शुरुआत धीमी है और रफ्तार तभी पकड़ती है जब नकुल के माता पिता इस बात की घोषणा करती हैं कि घर में नन्ना मेहमान आने वाला है। इसके बाद हास्य दृश्यों की झड़ी सी लग जाती है। फिल्म में केवल हास्य नहीं बल्कि इमोशन भी है। फिल्म में कई सब प्लॉट भी हैं और जरूरी नहीं है कि हर ट्रैक अच्छा ही हो। जैसे नकुल और रेने के रोमांस वाला ट्रैक कमजोर है लेकिन फिर भी हास्य और इमोशन का मिश्रण इस फिल्म में अच्छा लगता है। कई दृश्यों में आपकी हंसी छूट जाती है। इस फिल्म का डायरेक्शन अमित रविंद्रनाथ शर्मा ने किया है और इस फिल्म के कुछ दृश्यों में उनकी पकड़ छूटती है लेकिन ज्यादातर हिस्से में उनका नियंत्रण रहता है। उन्होंने कलाकारों से अच्छा काम लिया है जिसकी वजह से कहानी एकदम वास्तविक लगती है। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि इस मूवी को आप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो गाइस, इस मूवी को डाउनलोड करने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा या फिर आप टेलीग्राम चैनल को उसके नाम से सर्च कर सकते हैं जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने के लिए मिल जाएगा। इस मूवी का लिंक मैंने टेलीग्राम चैनल पर दिया हुआ है, आप वहां से आसानी से इस मूवी को डाउनलोड कर सकते हैं। फिल्म में आयुष्मान खुराना लगातार अपने अभिनय से चौंका रहे हैं। वे ऐसी फिल्में चुन रहे हैं जिनमें कहानी लीक से हटकर होती है। अब आयुष्मान खुराना का होना इस बात की गारंटी बन जाता है। इस फिल्म में भी उन्होंने बेहतरीन अभिनय किया है। शराब पीकर हंगामा करना, रेने की माँ से माफी मांगना, अकड़ दिखाने वाले दृश्यों में उनका अभिनय देखने लायक है। हेलो एवरीवन, इस वीडियो में आपके साथ बधाईयों फिल्म का फुल रिव्यू शेयर करने वाला हूँ। साथ ही आपको बताने वाला हूँ कि इस मूवी को आप कहाँ से और कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप भी इस मूवी को अपने फोन पर डाउनलोड करना चाहते हैं तो अगले 5 मिनट तक बने रहिए वीडियो में। दोस्तों, ये कहानी एक ऐसे दंपति की है जो एक बार फिर से माता पिता बनने वाले हैं। नकुल कौशिक यानी कि आयुष्मान खुराना की जिंदगी में तब भूचाल आ जाता है जब उसे पता चलता है कि उसके माता पिता फिर से पेरेंट्स बनने वाले हैं। और इसका असर नकुल की लव लाइफ पर भी पड़ता है क्योंकि उसका रोमांस रेना यानी कि सानिया मल्होत्रा से चल रहा है। रेने की माँ को जब यह बात पता चलती है तो वह नकुल के परिवार को ठीक नहीं समझती। साथ ही नकुल के परिवार को इस बात को लेकर शर्मिंदगी भी झेलनी पड़ती है। लोग मजाक बनाना शुरू कर देते हैं। इस फिल्म की कहानी लीक से हटकर है लेकिन मनोरंजन का भरपूर मसाला इसमें देखने को मिल जाएगा। फिल्म की शुरुआत धीमी है और रफ्तार तभी पकड़ती है जब नकुल के माता पिता इस बात की घोषणा करते हैं कि घर में नन्ना मेहमान आने वाला है। इसके बाद हास्य दृश्यों की झड़ी सी लग जाती है। फिल्म में केवल हास्य नहीं बल्कि इमोशन भी है। फिल्म में कई सब प्लॉट भी हैं और जरूरी नहीं है कि हर ट्रैक अच्छा ही हो। जैसे नकुल और रेने के रोमांस वाला ट्रैक कमजोर है लेकिन फिर भी हास्य और इमोशन का मिश्रण इस फिल्म में अच्छा लगता है। कई दृश्यों में आपकी हंसी छूट जाती है। इस फिल्म का डायरेक्शन अमित रविंद्रनाथ शर्मा ने किया है और इस फिल्म के कुछ दृश्यों में उनकी पकड़ छूटती है लेकिन ज्यादातर हिस्से में उनका नियंत्रण रहता है। उन्होंने कलाकारों से अच्छा काम लिया है जिसकी वजह से कहानी एकदम वास्तविक लगती है। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि इस मूवी को आप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो गाइस, इस मूवी को डाउनलोड करने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा या फिर आप टेलीग्राम चैनल को उसके नाम से सर्च कर सकते हैं जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने के लिए मिल जाएगा। इस मूवी का लिंक मैंने टेलीग्राम चैनल पर दिया हुआ है, आप वहां से आसानी से इस मूवी को डाउनलोड कर सकते हैं। फिल्म में आयुष्मान खुराना लगातार अपने अभिनय से चौंका रहे हैं। वे ऐसी फिल्में चुन रहे हैं जिनमें कहानी लीक से हटकर होती है। अब आयुष्मान खुराना का होना इस बात की गारंटी बन जाता है। इस फिल्म में भी उन्होंने बेहतरीन अभिनय किया है। शराब पीकर हंगामा करना, रेने की माँ से माफी मांगना, अकड़ दिखाने वाले दृश्यों में उनका अभिनय देखने लायक है।
हेलो एवरीवन, इस वीडियो में आपके साथ बधाईयों फिल्म का फुल रिव्यू शेयर करने वाला हूं। साथ ही आपको बताने वाला हूं कि इस मूवी को आप कहां से और कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप भी इस मूवी को अपने फोन पर डाउनलोड करना चाहते हैं तो अगले 5 मिनट तक बने रहिए वीडियो में। दोस्तों, ये कहानी एक ऐसे दंपति की है जो एक बार फिर से माता पिता बनने वाले हैं। नकुल कौशिक यानी कि आयुष्मान खुराना की जिंदगी में तब भूचाल आ जाता है जब उसे पता चलता है कि उसके माता पिता फिर से पेरेंट्स बनने वाले हैं। और इसका असर नकुल की लव लाइफ पर भी पड़ता है, क्योंकि उसका रोमांस रेना यानी कि सानिया मल्होत्रा से चल रहा है। रेने की माँ को जब यह बात पता चलती है तो वह नकुल के परिवार को ठीक नहीं समझती। साथ ही नकुल के परिवार को इस बात को लेकर शर्मिंदगी भी झेलनी पड़ती है। लोग मजाक बनाना शुरू कर देते हैं। इस फिल्म की कहानी लीक से हटकर है, लेकिन मनोरंजन का भरपूर मसाला इसमें देखने को मिल जाएगा। फिल्म की शुरुआत धीमी है और रफ्तार तभी पकड़ती है जब नकुल के माता पिता इस बात की घोषणा करती हैं कि घर में नन्ना मेहमान आने वाला है। इसके बाद हास्य दृश्यों की झड़ी सी लग जाती है। फिल्म में केवल हास्य नहीं बल्कि इमोशन भी है। फिल्म में कई सब प्लॉट भी हैं और जरूरी नहीं है कि हर ट्रैक अच्छा ही हो। जैसे नकुल और रेने के रोमांस वाला ट्रैक कमजोर है, लेकिन फिर भी हास्य और इमोशन का मिश्रण इस फिल्म में अच्छा लगता है। कई दृश्यों में आपकी हंसी छूट जाती है। इस फिल्म का डायरेक्शन अमित रविंद्रनाथ शर्मा ने किया है और इस फिल्म के कुछ दृश्यों में उनकी पकड़ छूटती है, लेकिन ज्यादातर हिस्से में उनका नियंत्रण रहता है। उन्होंने कलाकारों से अच्छा काम लिया है जिसकी वजह से कहानी एकदम वास्तविक लगती है। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि इस मूवी को आप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो गाइस, इस मूवी को डाउनलोड करने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, या फिर आप टेलीग्राम चैनल को उसके नाम से सर्च कर सकते हैं जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने के लिए मिल जाएगा। इस मूवी का लिंक मैंने टेलीग्राम चैनल पर दिया हुआ है, आप वहां से आसानी से इस मूवी को डाउनलोड कर सकते हैं। फिल्म में आयुष्मान खुराना लगातार अपने अभिनय से चौंका रहे हैं। वे ऐसी फिल्में चुन रहे हैं जिनमें कहानी लीक से हटकर होती है। अब आयुष्मान खुराना का होना इस बात की गारंटी बन जाता है। इस फिल्म में भी उन्होंने बेहतरीन अभिनय किया है। शराब पीकर हंगामा करना, रेने की माँ से माफी मांगना, अकड़ दिखाने वाले दृश्यों में उनका अभिनय देखने लायक है। हेलो एवरीवन, इस वीडियो में आपके साथ बधाईयों फिल्म का फुल रिव्यू शेयर करने वाला हूँ। साथ ही आपको बताने वाला हूँ कि इस मूवी को आप कहाँ से और कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप भी इस मूवी को अपने फोन पर डाउनलोड करना चाहते हैं तो अगले 5 मिनट तक बने रहिए वीडियो में। दोस्तों, ये कहानी एक ऐसे दंपति की है जो एक बार फिर से माता पिता बनने वाले हैं। नकुल कौशिक यानी कि आयुष्मान खुराना की जिंदगी में तब भूचाल आ जाता है जब उसे पता चलता है कि उसके माता पिता फिर से पेरेंट्स बनने वाले हैं। और इसका असर नकुल की लव लाइफ पर भी पड़ता है, क्योंकि उसका रोमांस रेना यानी कि सानिया मल्होत्रा से चल रहा है। रेने की माँ को जब यह बात पता चलती है तो वह नकुल के परिवार को ठीक नहीं समझती। साथ ही नकुल के परिवार को इस बात को लेकर शर्मिंदगी भी झेलनी पड़ती है। लोग मजाक बनाना शुरू कर देते हैं। इस फिल्म की कहानी लीक से हटकर है, लेकिन मनोरंजन का भरपूर मसाला इसमें देखने को मिल जाएगा। फिल्म की शुरुआत धीमी है और रफ्तार तभी पकड़ती है जब नकुल के माता पिता इस बात की घोषणा करते हैं कि घर में नन्ना मेहमान आने वाला है। इसके बाद हास्य दृश्यों की झड़ी सी लग जाती है। फिल्म में केवल हास्य नहीं बल्कि इमोशन भी है। फिल्म में कई सब प्लॉट भी हैं और जरूरी नहीं है कि हर ट्रैक अच्छा ही हो। जैसे नकुल और रेने के रोमांस वाला ट्रैक कमजोर है, लेकिन फिर भी हास्य और इमोशन का मिश्रण इस फिल्म में अच्छा लगता है। कई दृश्यों में आपकी हंसी छूट जाती है। इस फिल्म का डायरेक्शन अमित रविंद्रनाथ शर्मा ने किया है और इस फिल्म के कुछ दृश्यों में उनकी पकड़ छूटती है, लेकिन ज्यादातर हिस्से में उनका नियंत्रण रहता है। उन्होंने कलाकारों से अच्छा काम लिया है जिसकी वजह से कहानी एकदम वास्तविक लगती है। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि इस मूवी को आप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो गाइस, इस मूवी को डाउनलोड करने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, या फिर आप टेलीग्राम चैनल को उसके नाम से सर्च कर सकते हैं जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने के लिए मिल जाएगा। इस मूवी का लिंक मैंने टेलीग्राम चैनल पर दिया हुआ है, आप वहां से आसानी से इस मूवी को डाउनलोड कर सकते हैं। फिल्म में आयुष्मान खुराना लगातार अपने अभिनय से चौंका रहे हैं। वे ऐसी फिल्में चुन रहे हैं जिनमें कहानी लीक से हटकर होती है। अब आयुष्मान खुराना का होना इस बात की गारंटी बन जाता है। इस फिल्म में भी उन्होंने बेहतरीन अभिनय किया है। शराब पीकर हंगामा करना, रेने की माँ से माफी मांगना, अकड़ दिखाने वाले दृश्यों में उनका अभिनय देखने लायक है।
हेलो एवरीवन, इस वीडियो में आपके साथ बधाईयों फिल्म का फुल रिव्यू शेयर करने वाला हूं। साथ ही आपको बताने वाला हूं कि इस मूवी को आप कहां से और कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप भी इस मूवी को अपने फोन पर डाउनलोड करना चाहते हैं तो अगले 5 मिनट तक बने रहिए वीडियो में। दोस्तों, ये कहानी एक ऐसे दंपति की है जो एक बार फिर से माता पिता बनने वाले हैं। नकुल कौशिक यानी कि आयुष्मान खुराना की जिंदगी में तब भूचाल आ जाता है जब उसे पता चलता है कि उसके माता पिता फिर से पेरेंट्स बनने वाले हैं। और इसका असर नकुल की लव लाइफ पर भी पड़ता है, क्योंकि उसका रोमांस रेना यानी कि सानिया मल्होत्रा से चल रहा है। रेने की माँ को जब यह बात पता चलती है तो वह नकुल के परिवार को ठीक नहीं समझती। साथ ही नकुल के परिवार को इस बात को लेकर शर्मिंदगी भी झेलनी पड़ती है। लोग मजाक बनाना शुरू कर देते हैं। इस फिल्म की कहानी लीक से हटकर है, लेकिन मनोरंजन का भरपूर मसाला इसमें देखने को मिल जाएगा। फिल्म की शुरुआत धीमी है और रफ्तार तभी पकड़ती है जब नकुल के माता पिता इस बात की घोषणा करते हैं कि घर में नन्ना मेहमान आने वाला है। इसके बाद हास्य दृश्यों की झड़ी सी लग जाती है। फिल्म में केवल हास्य नहीं बल्कि इमोशन भी है। फिल्म में कई सब प्लॉट भी हैं और जरूरी नहीं है कि हर ट्रैक अच्छा ही हो। जैसे नकुल और रेने के रोमांस वाला ट्रैक कमजोर है, लेकिन फिर भी हास्य और इमोशन का मिश्रण इस फिल्म में अच्छा लगता है। कई दृश्यों में आपकी हंसी छूट जाती है। इस फिल्म का डायरेक्शन अमित रविंद्रनाथ शर्मा ने किया है और इस फिल्म के कुछ दृश्यों में उनकी पकड़ छूटती है, लेकिन ज्यादातर हिस्से में उनका नियंत्रण रहता है। उन्होंने कलाकारों से अच्छा काम लिया है जिसकी वजह से कहानी एकदम वास्तविक लगती है। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि इस मूवी को आप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो गाइस, इस मूवी को डाउनलोड करने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, या फिर आप टेलीग्राम चैनल को उसके नाम से सर्च कर सकते हैं जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने के लिए मिल जाएगा। इस मूवी का लिंक मैंने टेलीग्राम चैनल पर दिया हुआ है, आप वहां से आसानी से इस मूवी को डाउनलोड कर सकते हैं। फिल्म में आयुष्मान खुराना लगातार अपने अभिनय से चौंका रहे हैं। वे ऐसी फिल्में चुन रहे हैं जिनमें कहानी लीक से हटकर होती है। अब आयुष्मान खुराना का होना इस बात की गारंटी बन जाता है। इस फिल्म में भी उन्होंने बेहतरीन अभिनय किया है। शराब पीकर हंगामा करना, रेने की माँ से माफी मांगना, अकड़ दिखाने वाले दृश्यों में उनका अभिनय देखने लायक है। हेलो एवरीवन, इस वीडियो में आपके साथ बधाईयों फिल्म का फुल रिव्यू शेयर करने वाला हूं। साथ ही आपको बताने वाला हूं कि इस मूवी को आप कहां से और कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप भी इस मूवी को अपने फोन पर डाउनलोड करना चाहते हैं तो अगले 5 मिनट तक बने रहिए वीडियो में। दोस्तों, ये कहानी एक ऐसे दंपति की है जो एक बार फिर से माता पिता बनने वाले हैं। नकुल कौशिक यानी कि आयुष्मान खुराना की जिंदगी में तब भूचाल आ जाता है जब उसे पता चलता है कि उसके माता पिता फिर से पेरेंट्स बनने वाले हैं। और इसका असर नकुल की लव लाइफ पर भी पड़ता है, क्योंकि उसका रोमांस रेना यानी कि सानिया मल्होत्रा से चल रहा है। रेने की माँ को जब यह बात पता चलती है तो वह नकुल के परिवार को ठीक नहीं समझती। साथ ही नकुल के परिवार को इस बात को लेकर शर्मिंदगी भी झेलनी पड़ती है। लोग मजाक बनाना शुरू कर देते हैं। इस फिल्म की कहानी लीक से हटकर है, लेकिन मनोरंजन का भरपूर मसाला इसमें देखने को मिल जाएगा। फिल्म की शुरुआत धीमी है और रफ्तार तभी पकड़ती है जब नकुल के माता पिता इस बात की घोषणा करते हैं कि घर में नन्ना मेहमान आने वाला है। इसके बाद हास्य दृश्यों की झड़ी सी लग जाती है। फिल्म में केवल हास्य नहीं बल्कि इमोशन भी है। फिल्म में कई सब प्लॉट भी हैं और जरूरी नहीं है कि हर ट्रैक अच्छा ही हो। जैसे नकुल और रेने के रोमांस वाला ट्रैक कमजोर है, लेकिन फिर भी हास्य और इमोशन का मिश्रण इस फिल्म में अच्छा लगता है। कई दृश्यों में आपकी हंसी छूट जाती है। इस फिल्म का डायरेक्शन अमित रविंद्रनाथ शर्मा ने किया है और इस फिल्म के कुछ दृश्यों में उनकी पकड़ छूटती है, लेकिन ज्यादातर हिस्से में उनका नियंत्रण रहता है। उन्होंने कलाकारों से अच्छा काम लिया है जिसकी वजह से कहानी एकदम वास्तविक लगती है। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि इस मूवी को आप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो गाइस, इस मूवी को डाउनलोड करने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, या फिर आप टेलीग्राम चैनल को उसके नाम से सर्च कर सकते हैं जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने के लिए मिल जाएगा। इस मूवी का लिंक मैंने टेलीग्राम चैनल पर दिया हुआ है, आप वहां से आसानी से इस मूवी को डाउनलोड कर सकते हैं। फिल्म में आयुष्मान खुराना लगातार अपने अभिनय से चौंका रहे हैं। वे ऐसी फिल्में चुन रहे हैं जिनमें कहानी लीक से हटकर होती है। अब आयुष्मान खुराना का होना इस बात की गारंटी बन जाता है। इस फिल्म में भी उन्होंने बेहतरीन अभिनय किया है। शराब पीकर हंगामा करना, रेने की माँ से माफी मांगना, अकड़ दिखाने वाले दृश्यों में उनका अभिनय देखने लायक है।
हेलो एवरीवन, इस वीडियो में आपके साथ बधाई और फिल्म का फुल रिव्यू शेयर करने वाला हूं। साथ ही आपको बताने वाला हूं कि इस मूवी को आप कहां से और कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप भी इस मूवी को अपने फोन पर डाउनलोड करना चाहते हैं तो अगले 5 मिनट तक बने रहिए वीडियो में। दोस्तों, ये कहानी एक ऐसे दंपति की है जो एक बार फिर से माता पिता बनने वाले हैं। नकुल कौशिक यानी कि आयुष्मान खुराना की जिंदगी में तब भूचाल आ जाता है जब उसे पता चलता है कि उसके माता पिता फिर से पेरेंट्स बनने वाले हैं। और इसका असर नकुल की लव लाइफ पर भी पड़ता है, क्योंकि उसका रोमांस रेना यानी कि सानिया मल्होत्रा से चल रहा है। रेने की माँ को जब यह बात पता चलती है तो वह नकुल के परिवार को ठीक नहीं समझती। साथ ही नकुल के परिवार को इस बात को लेकर शर्मिंदगी भी झेलनी पड़ती है। लोग मजाक बनाना शुरू कर देते हैं। इस फिल्म की कहानी लीक से हटकर है, लेकिन मनोरंजन का भरपूर मसाला इसमें देखने को मिल जाएगा। फिल्म की शुरुआत धीमी है और रफ्तार तभी पकड़ती है जब नकुल के माता पिता इस बात की घोषणा करते हैं कि घर में नन्ना मेहमान आने वाला है। इसके बाद हास्य दृश्यों की झड़ी सी लग जाती है। फिल्म में केवल हास्य नहीं बल्कि इमोशन भी है। फिल्म में कई सब प्लॉट भी हैं और जरूरी नहीं है कि हर ट्रैक अच्छा ही हो। जैसे नकुल और रेने के रोमांस वाला ट्रैक कमजोर है, लेकिन फिर भी हास्य और इमोशन का मिश्रण इस फिल्म में अच्छा लगता है। कई दृश्यों में आपकी हंसी छूट जाती है। इस फिल्म का डायरेक्शन अमित रविंद्रनाथ शर्मा ने किया है और इस फिल्म के कुछ दृश्यों में उनकी पकड़ छूटती है, लेकिन ज्यादातर हिस्से में उनका नियंत्रण रहता है। उन्होंने कलाकारों से अच्छा काम लिया है जिसकी वजह से कहानी एकदम वास्तविक लगती है। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि इस मूवी को आप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो गाइस, इस मूवी को डाउनलोड करने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, या फिर आप टेलीग्राम चैनल को उसके नाम से सर्च कर सकते हैं जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने के लिए मिल जाएगा। इस मूवी का लिंक मैंने टेलीग्राम चैनल पर दिया हुआ है, आप वहां से आसानी से इस मूवी को डाउनलोड कर सकते हैं। फिल्म में आयुष्मान खुराना लगातार अपने अभिनय से चौंका रहे हैं। वे ऐसी फिल्में चुन रहे हैं जिनमें कहानी लीक से हटकर होती है। अब आयुष्मान खुराना का होना इस बात की गारंटी बन जाता है। इस फिल्म में भी उन्होंने बेहतरीन अभिनय किया है। शराब पीकर हंगामा करना, रेने की माँ से माफी मांगना, अकड़ दिखाने वाले दृश्यों में उनका अभिनय देखने लायक है। हेलो एवरीवन, इस वीडियो में आपके साथ बधाई और फिल्म का फुल रिव्यू शेयर करने वाला हूँ। साथ ही आपको बताने वाला हूँ कि इस मूवी को आप कहाँ से और कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप भी इस मूवी को अपने फोन पर डाउनलोड करना चाहते हैं तो अगले 5 मिनट तक बने रहिए वीडियो में। दोस्तों, ये कहानी एक ऐसे दंपति की है जो एक बार फिर से माता पिता बनने वाले हैं। नकुल कौशिक यानी कि आयुष्मान खुराना की जिंदगी में तब भूचाल आ जाता है जब उसे पता चलता है कि उसके माता पिता फिर से पेरेंट्स बनने वाले हैं। और इसका असर नकुल की लव लाइफ पर भी पड़ता है, क्योंकि उसका रोमांस रेना यानी कि सानिया मल्होत्रा से चल रहा है। रेने की माँ को जब यह बात पता चलती है तो वह नकुल के परिवार को ठीक नहीं समझती। साथ ही नकुल के परिवार को इस बात को लेकर शर्मिंदगी भी झेलनी पड़ती है। लोग मजाक बनाना शुरू कर देते हैं। इस फिल्म की कहानी लीक से हटकर है, लेकिन मनोरंजन का भरपूर मसाला इसमें देखने को मिल जाएगा। फिल्म की शुरुआत धीमी है और रफ्तार तभी पकड़ती है जब नकुल के माता पिता इस बात की घोषणा करते हैं कि घर में नन्ना मेहमान आने वाला है। इसके बाद हास्य दृश्यों की झड़ी सी लग जाती है। फिल्म में केवल हास्य नहीं बल्कि इमोशन भी है। फिल्म में कई सब प्लॉट भी हैं और जरूरी नहीं है कि हर ट्रैक अच्छा ही हो। जैसे नकुल और रेने के रोमांस वाला ट्रैक कमजोर है, लेकिन फिर भी हास्य और इमोशन का मिश्रण इस फिल्म में अच्छा लगता है। कई दृश्यों में आपकी हंसी छूट जाती है। इस फिल्म का डायरेक्शन अमित रविंद्रनाथ शर्मा ने किया है और इस फिल्म के कुछ दृश्यों में उनकी पकड़ छूटती है, लेकिन ज्यादातर हिस्से में उनका नियंत्रण रहता है। उन्होंने कलाकारों से अच्छा काम लिया है जिसकी वजह से कहानी एकदम वास्तविक लगती है। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि इस मूवी को आप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो गाइस, इस मूवी को डाउनलोड करने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, या फिर आप टेलीग्राम चैनल को उसके नाम से सर्च कर सकते हैं जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने के लिए मिल जाएगा। इस मूवी का लिंक मैंने टेलीग्राम चैनल पर दिया हुआ है, आप वहां से आसानी से इस मूवी को डाउनलोड कर सकते हैं। फिल्म में आयुष्मान खुराना लगातार अपने अभिनय से चौंका रहे हैं। वे ऐसी फिल्में चुन रहे हैं जिनमें कहानी लीक से हटकर होती है। अब आयुष्मान खुराना का होना इस बात की गारंटी बन जाता है। इस फिल्म में भी उन्होंने बेहतरीन अभिनय किया है। शराब पीकर हंगामा करना, रेने की माँ से माफी मांगना, अकड़ दिखाने वाले दृश्यों में उनका अभिनय देखने लायक है।
हेलो एवरीवन, इस वीडियो में आपके साथ बधाई और फिल्म का फुल रिव्यू शेयर करने वाला हूं। साथ ही आपको बताने वाला हूं कि इस मूवी को आप कहां से और कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप भी इस मूवी को अपने फोन पर डाउनलोड करना चाहते हैं तो अगले 5 मिनट तक बने रहिए वीडियो में। दोस्तों, ये कहानी एक ऐसे दंपति की है जो एक बार फिर से माता पिता बनने वाले हैं। नकुल कौशिक यानी कि आयुष्मान खुराना की जिंदगी में तब भूचाल आ जाता है जब उसे पता चलता है कि उसके माता पिता फिर से पेरेंट्स बनने वाले हैं। और इसका असर नकुल की लव लाइफ पर भी पड़ता है क्योंकि उसका रोमांस रेना यानी कि सानिया मल्होत्रा से चल रहा है। रेने की माँ को जब यह बात पता चलती है तो वह नकुल के परिवार को ठीक नहीं समझती। साथ ही नकुल के परिवार को इस बात को लेकर शर्मिंदगी भी झेलनी पड़ती है। लोग मजाक बनाना शुरू कर देते हैं। इस फिल्म की कहानी लीक से हटकर है लेकिन मनोरंजन का भरपूर मसाला इसमें देखने को मिल जाएगा। फिल्म की शुरुआत धीमी है और रफ्तार तभी पकड़ती है जब नकुल के माता पिता इस बात की घोषणा करते हैं कि घर में नन्ना मेहमान आने वाला है। इसके बाद हास्य दृश्यों की झड़ी सी लग जाती है। फिल्म में केवल हास्य नहीं बल्कि इमोशन भी है। फिल्म में कई सब प्लॉट भी हैं और जरूरी नहीं है कि हर ट्रैक अच्छा ही हो। जैसे नकुल और रेने के रोमांस वाला ट्रैक कमजोर है लेकिन फिर भी हास्य और इमोशन का मिश्रण इस फिल्म में अच्छा लगता है। कई दृश्यों में आपकी हंसी छूट जाती है। इस फिल्म का डायरेक्शन अमित रविंद्रनाथ शर्मा ने किया है और इस फिल्म के कुछ दृश्यों में उनकी पकड़ छूटती है लेकिन ज्यादातर हिस्से में उनका नियंत्रण रहता है। उन्होंने कलाकारों से अच्छा काम लिया है जिसकी वजह से कहानी एकदम वास्तविक लगती है। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि इस मूवी को आप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो गाइस, इस मूवी को डाउनलोड करने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा या फिर आप टेलीग्राम चैनल को उसके नाम से सर्च कर सकते हैं जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने के लिए मिल जाएगा। इस मूवी का लिंक मैंने टेलीग्राम चैनल पर दिया हुआ है, आप वहां से आसानी से इस मूवी को डाउनलोड कर सकते हैं। फिल्म में आयुष्मान खुराना लगातार अपने अभिनय से चौंका रहे हैं। वे ऐसी फिल्में चुन रहे हैं जिनमें कहानी लीक से हटकर होती है। अब आयुष्मान खुराना का होना इस बात की गारंटी बन जाता है। इस फिल्म में भी उन्होंने बेहतरीन अभिनय किया है। शराब पीकर हंगामा करना, रेने की माँ से माफी मांगना, अकड़ दिखाने वाले दृश्यों में उनका अभिनय देखने लायक है। हेलो एवरीवन, इस वीडियो में आपके साथ बधाई और फिल्म का फुल रिव्यू शेयर करने वाला हूँ। साथ ही आपको बताने वाला हूँ कि इस मूवी को आप कहाँ से और कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप भी इस मूवी को अपने फोन पर डाउनलोड करना चाहते हैं तो अगले 5 मिनट तक बने रहिए वीडियो में। दोस्तों, ये कहानी एक ऐसे दंपति की है जो एक बार फिर से माता पिता बनने वाले हैं। नकुल कौशिक यानी कि आयुष्मान खुराना की जिंदगी में तब भूचाल आ जाता है जब उसे पता चलता है कि उसके माता पिता फिर से पेरेंट्स बनने वाले हैं। और इसका असर नकुल की लव लाइफ पर भी पड़ता है क्योंकि उसका रोमांस रेना यानी कि सानिया मल्होत्रा से चल रहा है। रेने की माँ को जब यह बात पता चलती है तो वह नकुल के परिवार को ठीक नहीं समझती। साथ ही नकुल के परिवार को इस बात को लेकर शर्मिंदगी भी झेलनी पड़ती है। लोग मजाक बनाना शुरू कर देते हैं। इस फिल्म की कहानी लीक से हटकर है लेकिन मनोरंजन का भरपूर मसाला इसमें देखने को मिल जाएगा। फिल्म की शुरुआत धीमी है और रफ्तार तभी पकड़ती है जब नकुल के माता पिता इस बात की घोषणा करते हैं कि घर में नन्ना मेहमान आने वाला है। इसके बाद हास्य दृश्यों की झड़ी सी लग जाती है। फिल्म में केवल हास्य नहीं बल्कि इमोशन भी है। फिल्म में कई सब प्लॉट भी हैं और जरूरी नहीं है कि हर ट्रैक अच्छा ही हो। जैसे नकुल और रेने के रोमांस वाला ट्रैक कमजोर है लेकिन फिर भी हास्य और इमोशन का मिश्रण इस फिल्म में अच्छा लगता है। कई दृश्यों में आपकी हंसी छूट जाती है। इस फिल्म का डायरेक्शन अमित रविंद्रनाथ शर्मा ने किया है और इस फिल्म के कुछ दृश्यों में उनकी पकड़ छूटती है लेकिन ज्यादातर हिस्से में उनका नियंत्रण रहता है। उन्होंने कलाकारों से अच्छा काम लिया है जिसकी वजह से कहानी एकदम वास्तविक लगती है। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि इस मूवी को आप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो गाइस, इस मूवी को डाउनलोड करने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा या फिर आप टेलीग्राम चैनल को उसके नाम से सर्च कर सकते हैं जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने के लिए मिल जाएगा। इस मूवी का लिंक मैंने टेलीग्राम चैनल पर दिया हुआ है, आप वहां से आसानी से इस मूवी को डाउनलोड कर सकते हैं। फिल्म में आयुष्मान खुराना लगातार अपने अभिनय से चौंका रहे हैं। वे ऐसी फिल्में चुन रहे हैं जिनमें कहानी लीक से हटकर होती है। अब आयुष्मान खुराना का होना इस बात की गारंटी बन जाता है। इस फिल्म में भी उन्होंने बेहतरीन अभिनय किया है। शराब पीकर हंगामा करना, रेने की माँ से माफी मांगना, अकड़ दिखाने वाले दृश्यों में उनका अभिनय देखने लायक है।
हेलो एवरीवन, इस वीडियो में आपके साथ बधाई फिल्म का फुल रिव्यू शेयर करने वाला हूं। साथ ही आपको बताने वाला हूं कि इस मूवी को आप कहां से और कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप भी इस मूवी को अपने फोन पर डाउनलोड करना चाहते हैं तो अगले 5 मिनट तक बने रहिए वीडियो में। दोस्तों, ये कहानी एक ऐसे दंपति की है जो एक बार फिर से माता पिता बनने वाले हैं। नकुल कौशिक यानी कि आयुष्मान खुराना की जिंदगी में तब भूचाल आ जाता है जब उसे पता चलता है कि उसके माता पिता फिर से पेरेंट्स बनने वाले हैं। और इसका असर नकुल की लव लाइफ पर भी पड़ता है क्योंकि उसका रोमांस रेना यानी कि सानिया मल्होत्रा से चल रहा है। रेने की माँ को जब यह बात पता चलती है तो वह नकुल के परिवार को ठीक नहीं समझती। साथ ही नकुल के परिवार को इस बात को लेकर शर्मिंदगी भी झेलनी पड़ती है। लोग मजाक बनाना शुरू कर देते हैं। इस फिल्म की कहानी लीक से हटकर है लेकिन मनोरंजन का भरपूर मसाला इसमें देखने को मिल जाएगा। फिल्म की शुरुआत धीमी है और रफ्तार तभी पकड़ती है जब नकुल के माता पिता इस बात की घोषणा करती हैं कि घर में नन्ना मेहमान आने वाला है। इसके बाद हास्य दृश्यों की झड़ी सी लग जाती है। फिल्म में केवल हास्य नहीं बल्कि इमोशन भी है। फिल्म में कई सब प्लॉट भी हैं और जरूरी नहीं है कि हर ट्रैक अच्छा ही हो। जैसे नकुल और रेने के रोमांस वाला ट्रैक कमजोर है लेकिन फिर भी हास्य और इमोशन का मिश्रण इस फिल्म में अच्छा लगता है। कई दृश्यों में आपकी हंसी छूट जाती है। इस फिल्म का डायरेक्शन अमित रविंद्रनाथ शर्मा ने किया है और इस फिल्म के कुछ दृश्यों में उनकी पकड़ छूटती है लेकिन ज्यादातर हिस्से में उनका नियंत्रण रहता है। उन्होंने कलाकारों से अच्छा काम लिया है जिसकी वजह से कहानी एकदम वास्तविक लगती है। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि इस मूवी को आप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो गाइस, इस मूवी को डाउनलोड करने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा या फिर आप टेलीग्राम चैनल को उसके नाम से सर्च कर सकते हैं जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने के लिए मिल जाएगा। इस मूवी का लिंक मैंने टेलीग्राम चैनल पर दिया हुआ है, आप वहां से आसानी से इस मूवी को डाउनलोड कर सकते हैं। फिल्म में आयुष्मान खुराना लगातार अपने अभिनय से चौंका रहे हैं। वे ऐसी फिल्में चुन रहे हैं जिनमें कहानी लीक से हटकर होती है। अब आयुष्मान खुराना का होना इस बात की गारंटी बन जाता है। इस फिल्म में भी उन्होंने बेहतरीन अभिनय किया है। शराब पीकर हंगामा करना, रेने की माँ से माफी मांगना, अकड़ दिखाने वाले दृश्यों में उनका अभिनय देखने लायक है। हेलो एवरीवन, इस वीडियो में आपके साथ बधाई फिल्म का फुल रिव्यू शेयर करने वाला हूँ। साथ ही आपको बताने वाला हूँ कि इस मूवी को आप कहाँ से और कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप भी इस मूवी को अपने फोन पर डाउनलोड करना चाहते हैं तो अगले 5 मिनट तक बने रहिए वीडियो में। दोस्तों, ये कहानी एक ऐसे दंपति की है जो एक बार फिर से माता पिता बनने वाले हैं। नकुल कौशिक यानी कि आयुष्मान खुराना की जिंदगी में तब भूचाल आ जाता है जब उसे पता चलता है कि उसके माता पिता फिर से पेरेंट्स बनने वाले हैं। और इसका असर नकुल की लव लाइफ पर भी पड़ता है क्योंकि उसका रोमांस रेना यानी कि सानिया मल्होत्रा से चल रहा है। रेने की माँ को जब यह बात पता चलती है तो वह नकुल के परिवार को ठीक नहीं समझती। साथ ही नकुल के परिवार को इस बात को लेकर शर्मिंदगी भी झेलनी पड़ती है। लोग मजाक बनाना शुरू कर देते हैं। इस फिल्म की कहानी लीक से हटकर है लेकिन मनोरंजन का भरपूर मसाला इसमें देखने को मिल जाएगा। फिल्म की शुरुआत धीमी है और रफ्तार तभी पकड़ती है जब नकुल के माता पिता इस बात की घोषणा करते हैं कि घर में नन्ना मेहमान आने वाला है। इसके बाद हास्य दृश्यों की झड़ी सी लग जाती है। फिल्म में केवल हास्य नहीं बल्कि इमोशन भी है। फिल्म में कई सब प्लॉट भी हैं और जरूरी नहीं है कि हर ट्रैक अच्छा ही हो। जैसे नकुल और रेने के रोमांस वाला ट्रैक कमजोर है लेकिन फिर भी हास्य और इमोशन का मिश्रण इस फिल्म में अच्छा लगता है। कई दृश्यों में आपकी हंसी छूट जाती है। इस फिल्म का डायरेक्शन अमित रविंद्रनाथ शर्मा ने किया है और इस फिल्म के कुछ दृश्यों में उनकी पकड़ छूटती है लेकिन ज्यादातर हिस्से में उनका नियंत्रण रहता है। उन्होंने कलाकारों से अच्छा काम लिया है जिसकी वजह से कहानी एकदम वास्तविक लगती है। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि इस मूवी को आप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो गाइस, इस मूवी को डाउनलोड करने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा या फिर आप टेलीग्राम चैनल को उसके नाम से सर्च कर सकते हैं जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने के लिए मिल जाएगा। इस मूवी का लिंक मैंने टेलीग्राम चैनल पर दिया हुआ है, आप वहां से आसानी से इस मूवी को डाउनलोड कर सकते हैं। फिल्म में आयुष्मान खुराना लगातार अपने अभिनय से चौंका रहे हैं। वे ऐसी फिल्में चुन रहे हैं जिनमें कहानी लीक से हटकर होती है। अब आयुष्मान खुराना का होना इस बात की गारंटी बन जाता है। इस फिल्म में भी उन्होंने बेहतरीन अभिनय किया है। शराब पीकर हंगामा करना, रेने की माँ से माफी मांगना, अकड़ दिखाने वाले दृश्यों में उनका अभिनय देखने लायक है।
हेलो एवरीवन, इस वीडियो में आपके साथ बधाईयों फिल्म का फुल रिव्यू शेयर करने वाला हूं। साथ ही आपको बताने वाला हूं कि इस मूवी को आप कहां से और कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप भी इस मूवी को अपने फोन पर डाउनलोड करना चाहते हैं तो अगले 5 मिनट तक बने रहिए वीडियो में। दोस्तों, ये कहानी एक ऐसे दंपति की है जो एक बार फिर से माता पिता बनने वाले हैं। नकुल कौशिक यानी कि आयुष्मान खुराना की जिंदगी में तब भूचाल आ जाता है जब उसे पता चलता है कि उसके माता पिता फिर से पेरेंट्स बनने वाले हैं। और इसका असर नकुल की लव लाइफ पर भी पड़ता है, क्योंकि उसका रोमांस रेना यानी कि सानिया मल्होत्रा से चल रहा है। रेने की माँ को जब यह बात पता चलती है तो वह नकुल के परिवार को ठीक नहीं समझती। साथ ही नकुल के परिवार को इस बात को लेकर शर्मिंदगी भी झेलनी पड़ती है। लोग मजाक बनाना शुरू कर देते हैं। इस फिल्म की कहानी लीक से हटकर है, लेकिन मनोरंजन का भरपूर मसाला इसमें देखने को मिल जाएगा। फिल्म की शुरुआत धीमी है और रफ्तार तभी पकड़ती है जब नकुल के माता पिता इस बात की घोषणा करती हैं कि घर में नन्ना मेहमान आने वाला है। इसके बाद हास्य दृश्यों की झड़ी सी लग जाती है। फिल्म में केवल हास्य नहीं बल्कि इमोशन भी है। फिल्म में कई सब प्लॉट भी हैं और जरूरी नहीं है कि हर ट्रैक अच्छा ही हो। जैसे नकुल और रेने के रोमांस वाला ट्रैक कमजोर है, लेकिन फिर भी हास्य और इमोशन का मिश्रण इस फिल्म में अच्छा लगता है। कई दृश्यों में आपकी हंसी छूट जाती है। इस फिल्म का डायरेक्शन अमित रविंद्रनाथ शर्मा ने किया है और इस फिल्म के कुछ दृश्यों में उनकी पकड़ छूटती है, लेकिन ज्यादातर हिस्से में उनका नियंत्रण रहता है। उन्होंने कलाकारों से अच्छा काम लिया है जिसकी वजह से कहानी एकदम वास्तविक लगती है। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि इस मूवी को आप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो गाइस, इस मूवी को डाउनलोड करने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, या फिर आप टेलीग्राम चैनल को उसके नाम से सर्च कर सकते हैं जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने के लिए मिल जाएगा। इस मूवी का लिंक मैंने टेलीग्राम चैनल पर दिया हुआ है, आप वहां से आसानी से इस मूवी को डाउनलोड कर सकते हैं। फिल्म में आयुष्मान खुराना लगातार अपने अभिनय से चौंका रहे हैं। वे ऐसी फिल्में चुन रहे हैं जिनमें कहानी लीक से हटकर होती है। अब आयुष्मान खुराना का होना इस बात की गारंटी बन जाता है। इस फिल्म में भी उन्होंने बेहतरीन अभिनय किया है। शराब पीकर हंगामा करना, रेने की माँ से माफी मांगना, अकड़ दिखाने वाले दृश्यों में उनका अभिनय देखने लायक है। हेलो एवरीवन, इस वीडियो में आपके साथ बधाईयों फिल्म का फुल रिव्यू शेयर करने वाला हूँ। साथ ही आपको बताने वाला हूँ कि इस मूवी को आप कहाँ से और कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप भी इस मूवी को अपने फोन पर डाउनलोड करना चाहते हैं तो अगले 5 मिनट तक बने रहिए वीडियो में। दोस्तों, ये कहानी एक ऐसे दंपति की है जो एक बार फिर से माता पिता बनने वाले हैं। नकुल कौशिक यानी कि आयुष्मान खुराना की जिंदगी में तब भूचाल आ जाता है जब उसे पता चलता है कि उसके माता पिता फिर से पेरेंट्स बनने वाले हैं। और इसका असर नकुल की लव लाइफ पर भी पड़ता है, क्योंकि उसका रोमांस रेना यानी कि सानिया मल्होत्रा से चल रहा है। रेने की माँ को जब यह बात पता चलती है तो वह नकुल के परिवार को ठीक नहीं समझती। साथ ही नकुल के परिवार को इस बात को लेकर शर्मिंदगी भी झेलनी पड़ती है। लोग मजाक बनाना शुरू कर देते हैं। इस फिल्म की कहानी लीक से हटकर है, लेकिन मनोरंजन का भरपूर मसाला इसमें देखने को मिल जाएगा। फिल्म की शुरुआत धीमी है और रफ्तार तभी पकड़ती है जब नकुल के माता पिता इस बात की घोषणा करते हैं कि घर में नन्ना मेहमान आने वाला है। इसके बाद हास्य दृश्यों की झड़ी सी लग जाती है। फिल्म में केवल हास्य नहीं बल्कि इमोशन भी है। फिल्म में कई सब प्लॉट भी हैं और जरूरी नहीं है कि हर ट्रैक अच्छा ही हो। जैसे नकुल और रेने के रोमांस वाला ट्रैक कमजोर है, लेकिन फिर भी हास्य और इमोशन का मिश्रण इस फिल्म में अच्छा लगता है। कई दृश्यों में आपकी हंसी छूट जाती है। इस फिल्म का डायरेक्शन अमित रविंद्रनाथ शर्मा ने किया है और इस फिल्म के कुछ दृश्यों में उनकी पकड़ छूटती है, लेकिन ज्यादातर हिस्से में उनका नियंत्रण रहता है। उन्होंने कलाकारों से अच्छा काम लिया है जिसकी वजह से कहानी एकदम वास्तविक लगती है। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि इस मूवी को आप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो गाइस, इस मूवी को डाउनलोड करने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, या फिर आप टेलीग्राम चैनल को उसके नाम से सर्च कर सकते हैं जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने के लिए मिल जाएगा। इस मूवी का लिंक मैंने टेलीग्राम चैनल पर दिया हुआ है, आप वहां से आसानी से इस मूवी को डाउनलोड कर सकते हैं। फिल्म में आयुष्मान खुराना लगातार अपने अभिनय से चौंका रहे हैं। वे ऐसी फिल्में चुन रहे हैं जिनमें कहानी लीक से हटकर होती है। अब आयुष्मान खुराना का होना इस बात की गारंटी बन जाता है। इस फिल्म में भी उन्होंने बेहतरीन अभिनय किया है। शराब पीकर हंगामा करना, रेने की माँ से माफी मांगना, अकड़ दिखाने वाले दृश्यों में उनका अभिनय देखने लायक है।
हेलो एवरीवन, इस वीडियो में आपके साथ बधाईयों फिल्म का फुल रिव्यू शेयर करने वाला हूं। साथ ही आपको बताने वाला हूं कि इस मूवी को आप कहां से और कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप भी इस मूवी को अपने फोन पर डाउनलोड करना चाहते हैं तो अगले 5 मिनट तक बने रहिए वीडियो में। दोस्तों, ये कहानी एक ऐसे दंपति की है जो एक बार फिर से माता पिता बनने वाले हैं। नकुल कौशिक यानी कि आयुष्मान खुराना की जिंदगी में तब भूचाल आ जाता है जब उसे पता चलता है कि उसके माता पिता फिर से पेरेंट्स बनने वाले हैं। और इसका असर नकुल की लव लाइफ पर भी पड़ता है, क्योंकि उसका रोमांस रेना यानी कि सानिया मल्होत्रा से चल रहा है। रेने की माँ को जब यह बात पता चलती है तो वह नकुल के परिवार को ठीक नहीं समझती। साथ ही नकुल के परिवार को इस बात को लेकर शर्मिंदगी भी झेलनी पड़ती है। लोग मजाक बनाना शुरू कर देते हैं। इस फिल्म की कहानी लीक से हटकर है, लेकिन मनोरंजन का भरपूर मसाला इसमें देखने को मिल जाएगा। फिल्म की शुरुआत धीमी है और रफ्तार तभी पकड़ती है जब नकुल के माता पिता इस बात की घोषणा करते हैं कि घर में नन्ना मेहमान आने वाला है। इसके बाद हास्य दृश्यों की झड़ी सी लग जाती है। फिल्म में केवल हास्य नहीं बल्कि इमोशन भी है। फिल्म में कई सब प्लॉट भी हैं और जरूरी नहीं है कि हर ट्रैक अच्छा ही हो। जैसे नकुल और रेने के रोमांस वाला ट्रैक कमजोर है, लेकिन फिर भी हास्य और इमोशन का मिश्रण इस फिल्म में अच्छा लगता है। कई दृश्यों में आपकी हंसी छूट जाती है। इस फिल्म का डायरेक्शन अमित रविंद्रनाथ शर्मा ने किया है और इस फिल्म के कुछ दृश्यों में उनकी पकड़ छूटती है, लेकिन ज्यादातर हिस्से में उनका नियंत्रण रहता है। उन्होंने कलाकारों से अच्छा काम लिया है जिसकी वजह से कहानी एकदम वास्तविक लगती है। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि इस मूवी को आप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो गाइस, इस मूवी को डाउनलोड करने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, या फिर आप टेलीग्राम चैनल को उसके नाम से सर्च कर सकते हैं जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने के लिए मिल जाएगा। इस मूवी का लिंक मैंने टेलीग्राम चैनल पर दिया हुआ है, आप वहां से आसानी से इस मूवी को डाउनलोड कर सकते हैं। फिल्म में आयुष्मान खुराना लगातार अपने अभिनय से चौंका रहे हैं। वे ऐसी फिल्में चुन रहे हैं जिनमें कहानी लीक से हटकर होती है। अब आयुष्मान खुराना का होना इस बात की गारंटी बन जाता है। इस फिल्म में भी उन्होंने बेहतरीन अभिनय किया है। शराब पीकर हंगामा करना, रेने की माँ से माफी मांगना, अकड़ दिखाने वाले दृश्यों में उनका अभिनय देखने लायक है। हेलो एवरीवन, इस वीडियो में आपके साथ बधाईयों फिल्म का फुल रिव्यू शेयर करने वाला हूँ। साथ ही आपको बताने वाला हूँ कि इस मूवी को आप कहाँ से और कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप भी इस मूवी को अपने फोन पर डाउनलोड करना चाहते हैं तो अगले 5 मिनट तक बने रहिए वीडियो में। दोस्तों, ये कहानी एक ऐसे दंपति की है जो एक बार फिर से माता पिता बनने वाले हैं। नकुल कौशिक यानी कि आयुष्मान खुराना की जिंदगी में तब भूचाल आ जाता है जब उसे पता चलता है कि उसके माता पिता फिर से पेरेंट्स बनने वाले हैं। और इसका असर नकुल की लव लाइफ पर भी पड़ता है, क्योंकि उसका रोमांस रेना यानी कि सानिया मल्होत्रा से चल रहा है। रेने की माँ को जब यह बात पता चलती है तो वह नकुल के परिवार को ठीक नहीं समझती। साथ ही नकुल के परिवार को इस बात को लेकर शर्मिंदगी भी झेलनी पड़ती है। लोग मजाक बनाना शुरू कर देते हैं। इस फिल्म की कहानी लीक से हटकर है, लेकिन मनोरंजन का भरपूर मसाला इसमें देखने को मिल जाएगा। फिल्म की शुरुआत धीमी है और रफ्तार तभी पकड़ती है जब नकुल के माता पिता इस बात की घोषणा करते हैं कि घर में नन्ना मेहमान आने वाला है। इसके बाद हास्य दृश्यों की झड़ी सी लग जाती है। फिल्म में केवल हास्य नहीं बल्कि इमोशन भी है। फिल्म में कई सब प्लॉट भी हैं और जरूरी नहीं है कि हर ट्रैक अच्छा ही हो। जैसे नकुल और रेने के रोमांस वाला ट्रैक कमजोर है, लेकिन फिर भी हास्य और इमोशन का मिश्रण इस फिल्म में अच्छा लगता है। कई दृश्यों में आपकी हंसी छूट जाती है। इस फिल्म का डायरेक्शन अमित रविंद्रनाथ शर्मा ने किया है और इस फिल्म के कुछ दृश्यों में उनकी पकड़ छूटती है, लेकिन ज्यादातर हिस्से में उनका नियंत्रण रहता है। उन्होंने कलाकारों से अच्छा काम लिया है जिसकी वजह से कहानी एकदम वास्तविक लगती है। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि इस मूवी को आप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो गाइस, इस मूवी को डाउनलोड करने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, या फिर आप टेलीग्राम चैनल को उसके नाम से सर्च कर सकते हैं जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने के लिए मिल जाएगा। इस मूवी का लिंक मैंने टेलीग्राम चैनल पर दिया हुआ है, आप वहां से आसानी से इस मूवी को डाउनलोड कर सकते हैं। फिल्म में आयुष्मान खुराना लगातार अपने अभिनय से चौंका रहे हैं। वे ऐसी फिल्में चुन रहे हैं जिनमें कहानी लीक से हटकर होती है। अब आयुष्मान खुराना का होना इस बात की गारंटी बन जाता है। इस फिल्म में भी उन्होंने बेहतरीन अभिनय किया है। शराब पीकर हंगामा करना, रेने की माँ से माफी मांगना, अकड़ दिखाने वाले दृश्यों में उनका अभिनय देखने लायक है।
हेलो एवरीवन, इस वीडियो में आपके साथ बधाई और फिल्म का फुल रिव्यू शेयर करने वाला हूं। साथ ही आपको बताने वाला हूं कि इस मूवी को आप कहां से और कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप भी इस मूवी को अपने फोन पर डाउनलोड करना चाहते हैं तो अगले 5 मिनट तक बने रहिए वीडियो में। दोस्तों, ये कहानी एक ऐसे दंपति की है जो एक बार फिर से माता पिता बनने वाले हैं। नकुल कौशिक यानी कि आयुष्मान खुराना की जिंदगी में तब भूचाल आ जाता है जब उसे पता चलता है कि उसके माता पिता फिर से पेरेंट्स बनने वाले हैं, और इसका असर नकुल की लव लाइफ पर भी पड़ता है क्योंकि उसका रोमांस रेना यानी कि सानिया मल्होत्रा से चल रहा है। रेने की माँ को जब यह बात पता चलती है तो वह नकुल के परिवार को ठीक नहीं समझती। साथ ही नकुल के परिवार को इस बात को लेकर शर्मिंदगी भी झेलनी पड़ती है। लोग मजाक बनाना शुरू कर देते हैं। इस फिल्म की कहानी लीक से हटकर है, लेकिन मनोरंजन का भरपूर मसाला इसमें देखने को मिल जाएगा। फिल्म की शुरुआत धीमी है और रफ्तार तभी पकड़ती है जब नकुल के माता पिता इस बात की घोषणा करते हैं कि घर में नन्ना मेहमान आने वाला है। इसके बाद हास्य दृश्यों की झड़ी सी लग जाती है। फिल्म में केवल हास्य नहीं बल्कि इमोशन भी है। फिल्म में कई सब प्लॉट भी हैं और जरूरी नहीं है कि हर ट्रैक अच्छा ही हो। जैसे नकुल और रेने के रोमांस वाला ट्रैक कमजोर है, लेकिन फिर भी हास्य और इमोशन का मिश्रण इस फिल्म में अच्छा लगता है। कई दृश्यों में आपकी हंसी छूट जाती है। इस फिल्म का डायरेक्शन अमित रविंद्रनाथ शर्मा ने किया है और इस फिल्म के कुछ दृश्यों में उनकी पकड़ छूटती है, लेकिन ज्यादातर हिस्से में उनका नियंत्रण रहता है। उन्होंने कलाकारों से अच्छा काम लिया है जिसकी वजह से कहानी एकदम वास्तविक लगती है। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि इस मूवी को आप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो गाइस, इस मूवी को डाउनलोड करने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, या फिर आप टेलीग्राम चैनल को उसके नाम से सर्च कर सकते हैं जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने के लिए मिल जाएगा। इस मूवी का लिंक मैंने टेलीग्राम चैनल पर दिया हुआ है, आप वहां से आसानी से इस मूवी को डाउनलोड कर सकते हैं। फिल्म में आयुष्मान खुराना लगातार अपने अभिनय से चौंका रहे हैं। वे ऐसी फिल्में चुन रहे हैं जिनमें कहानी लीक से हटकर होती है। अब आयुष्मान खुराना का होना इस बात की गारंटी बन जाता है। इस फिल्म में भी उन्होंने बेहतरीन अभिनय किया है। शराब पीकर हंगामा करना, रेने की माँ से माफी मांगना, अकड़ दिखाने वाले दृश्यों में उनका अभिनय देखने लायक है। हेलो एवरीवन, इस वीडियो में आपके साथ बधाई और फिल्म का फुल रिव्यू शेयर करने वाला हूँ। साथ ही आपको बताने वाला हूँ कि इस मूवी को आप कहाँ से और कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप भी इस मूवी को अपने फोन पर डाउनलोड करना चाहते हैं तो अगले 5 मिनट तक बने रहिए वीडियो में। दोस्तों, ये कहानी एक ऐसे दंपति की है जो एक बार फिर से माता पिता बनने वाले हैं। नकुल कौशिक यानी कि आयुष्मान खुराना की जिंदगी में तब भूचाल आ जाता है जब उसे पता चलता है कि उसके माता पिता फिर से पेरेंट्स बनने वाले हैं, और इसका असर नकुल की लव लाइफ पर भी पड़ता है क्योंकि उसका रोमांस रेना यानी कि सानिया मल्होत्रा से चल रहा है। रेने की माँ को जब यह बात पता चलती है तो वह नकुल के परिवार को ठीक नहीं समझती। साथ ही नकुल के परिवार को इस बात को लेकर शर्मिंदगी भी झेलनी पड़ती है। लोग मजाक बनाना शुरू कर देते हैं। इस फिल्म की कहानी लीक से हटकर है, लेकिन मनोरंजन का भरपूर मसाला इसमें देखने को मिल जाएगा। फिल्म की शुरुआत धीमी है और रफ्तार तभी पकड़ती है जब नकुल के माता पिता इस बात की घोषणा करते हैं कि घर में नन्ना मेहमान आने वाला है। इसके बाद हास्य दृश्यों की झड़ी सी लग जाती है। फिल्म में केवल हास्य नहीं बल्कि इमोशन भी है। फिल्म में कई सब प्लॉट भी हैं और जरूरी नहीं है कि हर ट्रैक अच्छा ही हो। जैसे नकुल और रेने के रोमांस वाला ट्रैक कमजोर है, लेकिन फिर भी हास्य और इमोशन का मिश्रण इस फिल्म में अच्छा लगता है। कई दृश्यों में आपकी हंसी छूट जाती है। इस फिल्म का डायरेक्शन अमित रविंद्रनाथ शर्मा ने किया है और इस फिल्म के कुछ दृश्यों में उनकी पकड़ छूटती है, लेकिन ज्यादातर हिस्से में उनका नियंत्रण रहता है। उन्होंने कलाकारों से अच्छा काम लिया है जिसकी वजह से कहानी एकदम वास्तविक लगती है। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि इस मूवी को आप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो गाइस, इस मूवी को डाउनलोड करने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, या फिर आप टेलीग्राम चैनल को उसके नाम से सर्च कर सकते हैं जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने के लिए मिल जाएगा। इस मूवी का लिंक मैंने टेलीग्राम चैनल पर दिया हुआ है, आप वहां से आसानी से इस मूवी को डाउनलोड कर सकते हैं। फिल्म में आयुष्मान खुराना लगातार अपने अभिनय से चौंका रहे हैं। वे ऐसी फिल्में चुन रहे हैं जिनमें कहानी लीक से हटकर होती है। अब आयुष्मान खुराना का होना इस बात की गारंटी बन जाता है। इस फिल्म में भी उन्होंने बेहतरीन अभिनय किया है। शराब पीकर हंगामा करना, रेने की माँ से माफी मांगना, अकड़ दिखाने वाले दृश्यों में उनका अभिनय देखने लायक है।
हेलो एवरीवन, इस वीडियो में आपके साथ बधाई और फिल्म का फुल रिव्यू शेयर करने वाला हूं। साथ ही आपको बताने वाला हूं कि इस मूवी को आप कहां से और कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप भी इस मूवी को अपने फोन पर डाउनलोड करना चाहते हैं तो अगले 5 मिनट तक बने रहिए वीडियो में। दोस्तों, ये कहानी एक ऐसे दंपति की है जो एक बार फिर से माता पिता बनने वाले हैं। नकुल कौशिक यानी कि आयुष्मान खुराना की जिंदगी में तब भूचाल आ जाता है जब उसे पता चलता है कि उसके माता पिता फिर से पेरेंट्स बनने वाले हैं। और इसका असर नकुल की लव लाइफ पर भी पड़ता है क्योंकि उसका रोमांस रेना यानी कि सानिया मल्होत्रा से चल रहा है। रेने की माँ को जब यह बात पता चलती है तो वह नकुल के परिवार को ठीक नहीं समझती। साथ ही नकुल के परिवार को इस बात को लेकर शर्मिंदगी भी झेलनी पड़ती है। लोग मजाक बनाना शुरू कर देते हैं। इस फिल्म की कहानी लीक से हटकर है लेकिन मनोरंजन का भरपूर मसाला इसमें देखने को मिल जाएगा। फिल्म की शुरुआत धीमी है और रफ्तार तभी पकड़ती है जब नकुल के माता पिता इस बात की घोषणा करते हैं कि घर में नन्ना मेहमान आने वाला है। इसके बाद हास्य दृश्यों की झड़ी सी लग जाती है। फिल्म में केवल हास्य नहीं बल्कि इमोशन भी है। फिल्म में कई सब प्लॉट भी हैं और जरूरी नहीं है कि हर ट्रैक अच्छा ही हो। जैसे नकुल और रेने के रोमांस वाला ट्रैक कमजोर है लेकिन फिर भी हास्य और इमोशन का मिश्रण इस फिल्म में अच्छा लगता है। कई दृश्यों में आपकी हंसी छूट जाती है। इस फिल्म का डायरेक्शन अमित रविंद्रनाथ शर्मा ने किया है और इस फिल्म के कुछ दृश्यों में उनकी पकड़ छूटती है लेकिन ज्यादातर हिस्से में उनका नियंत्रण रहता है। उन्होंने कलाकारों से अच्छा काम लिया है जिसकी वजह से कहानी एकदम वास्तविक लगती है। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि इस मूवी को आप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो गाइस, इस मूवी को डाउनलोड करने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा या फिर आप टेलीग्राम चैनल को उसके नाम से सर्च कर सकते हैं जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने के लिए मिल जाएगा। इस मूवी का लिंक मैंने टेलीग्राम चैनल पर दिया हुआ है, आप वहां से आसानी से इस मूवी को डाउनलोड कर सकते हैं। फिल्म में आयुष्मान खुराना लगातार अपने अभिनय से चौंका रहे हैं। वे ऐसी फिल्में चुन रहे हैं जिनमें कहानी लीक से हटकर होती है। अब आयुष्मान खुराना का होना इस बात की गारंटी बन जाता है। इस फिल्म में भी उन्होंने बेहतरीन अभिनय किया है। शराब पीकर हंगामा करना, रेने की माँ से माफी मांगना, अकड़ दिखाने वाले दृश्यों में उनका अभिनय देखने लायक है। हेलो एवरीवन, इस वीडियो में आपके साथ बधाई और फिल्म का फुल रिव्यू शेयर करने वाला हूँ। साथ ही आपको बताने वाला हूँ कि इस मूवी को आप कहाँ से और कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप भी इस मूवी को अपने फोन पर डाउनलोड करना चाहते हैं तो अगले 5 मिनट तक बने रहिए वीडियो में। दोस्तों, ये कहानी एक ऐसे दंपति की है जो एक बार फिर से माता पिता बनने वाले हैं। नकुल कौशिक यानी कि आयुष्मान खुराना की जिंदगी में तब भूचाल आ जाता है जब उसे पता चलता है कि उसके माता पिता फिर से पेरेंट्स बनने वाले हैं। और इसका असर नकुल की लव लाइफ पर भी पड़ता है क्योंकि उसका रोमांस रेना यानी कि सानिया मल्होत्रा से चल रहा है। रेने की माँ को जब यह बात पता चलती है तो वह नकुल के परिवार को ठीक नहीं समझती। साथ ही नकुल के परिवार को इस बात को लेकर शर्मिंदगी भी झेलनी पड़ती है। लोग मजाक बनाना शुरू कर देते हैं। इस फिल्म की कहानी लीक से हटकर है लेकिन मनोरंजन का भरपूर मसाला इसमें देखने को मिल जाएगा। फिल्म की शुरुआत धीमी है और रफ्तार तभी पकड़ती है जब नकुल के माता पिता इस बात की घोषणा करते हैं कि घर में नन्ना मेहमान आने वाला है। इसके बाद हास्य दृश्यों की झड़ी सी लग जाती है। फिल्म में केवल हास्य नहीं बल्कि इमोशन भी है। फिल्म में कई सब प्लॉट भी हैं और जरूरी नहीं है कि हर ट्रैक अच्छा ही हो। जैसे नकुल और रेने के रोमांस वाला ट्रैक कमजोर है लेकिन फिर भी हास्य और इमोशन का मिश्रण इस फिल्म में अच्छा लगता है। कई दृश्यों में आपकी हंसी छूट जाती है। इस फिल्म का डायरेक्शन अमित रविंद्रनाथ शर्मा ने किया है और इस फिल्म के कुछ दृश्यों में उनकी पकड़ छूटती है लेकिन ज्यादातर हिस्से में उनका नियंत्रण रहता है। उन्होंने कलाकारों से अच्छा काम लिया है जिसकी वजह से कहानी एकदम वास्तविक लगती है। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि इस मूवी को आप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो गाइस, इस मूवी को डाउनलोड करने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा या फिर आप टेलीग्राम चैनल को उसके नाम से सर्च कर सकते हैं जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने के लिए मिल जाएगा। इस मूवी का लिंक मैंने टेलीग्राम चैनल पर दिया हुआ है, आप वहां से आसानी से इस मूवी को डाउनलोड कर सकते हैं। फिल्म में आयुष्मान खुराना लगातार अपने अभिनय से चौंका रहे हैं। वे ऐसी फिल्में चुन रहे हैं जिनमें कहानी लीक से हटकर होती है। अब आयुष्मान खुराना का होना इस बात की गारंटी बन जाता है। इस फिल्म में भी उन्होंने बेहतरीन अभिनय किया है। शराब पीकर हंगामा करना, रेने की माँ से माफी मांगना, अकड़ दिखाने वाले दृश्यों में उनका अभिनय देखने लायक है।
हेलो एवरीवन, इस वीडियो में आपके साथ बधाईयों फिल्म का फुल रिव्यू शेयर करने वाला हूं। साथ ही आपको बताने वाला हूं कि इस मूवी को आप कहां से और कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप भी इस मूवी को अपने फोन पर डाउनलोड करना चाहते हैं तो अगले 5 मिनट तक बने रहिए वीडियो में। दोस्तों, ये कहानी एक ऐसे दंपति की है जो एक बार फिर से माता पिता बनने वाले हैं। नकुल कौशिक यानी कि आयुष्मान खुराना की जिंदगी में तब भूचाल आ जाता है जब उसे पता चलता है कि उसके माता पिता फिर से पेरेंट्स बनने वाले हैं। और इसका असर नकुल की लव लाइफ पर भी पड़ता है क्योंकि उसका रोमांस रेना यानी कि सानिया मल्होत्रा से चल रहा है। रेने की माँ को जब यह बात पता चलती है तो वह नकुल के परिवार को ठीक नहीं समझती। साथ ही नकुल के परिवार को इस बात को लेकर शर्मिंदगी भी झेलनी पड़ती है। लोग मजाक बनाना शुरू कर देते हैं। इस फिल्म की कहानी लीक से हटकर है लेकिन मनोरंजन का भरपूर मसाला इसमें देखने को मिल जाएगा। फिल्म की शुरुआत धीमी है और रफ्तार तभी पकड़ती है जब नकुल के माता पिता इस बात की घोषणा करती हैं कि घर में नन्ना मेहमान आने वाला है। इसके बाद हास्य दृश्यों की झड़ी सी लग जाती है। फिल्म में केवल हास्य नहीं बल्कि इमोशन भी है। फिल्म में कई सब प्लॉट भी हैं और जरूरी नहीं है कि हर ट्रैक अच्छा ही हो। जैसे नकुल और रेने के रोमांस वाला ट्रैक कमजोर है लेकिन फिर भी हास्य और इमोशन का मिश्रण इस फिल्म में अच्छा लगता है। कई दृश्यों में आपकी हंसी छूट जाती है। इस फिल्म का डायरेक्शन अमित रविंद्रनाथ शर्मा ने किया है और इस फिल्म के कुछ दृश्यों में उनकी पकड़ छूटती है लेकिन ज्यादातर हिस्से में उनका नियंत्रण रहता है। उन्होंने कलाकारों से अच्छा काम लिया है जिसकी वजह से कहानी एकदम वास्तविक लगती है। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि इस मूवी को आप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो गाइस, इस मूवी को डाउनलोड करने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा या फिर आप टेलीग्राम चैनल को उसके नाम से सर्च कर सकते हैं जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने के लिए मिल जाएगा। इस मूवी का लिंक मैंने टेलीग्राम चैनल पर दिया हुआ है, आप वहां से आसानी से इस मूवी को डाउनलोड कर सकते हैं। फिल्म में आयुष्मान खुराना लगातार अपने अभिनय से चौंका रहे हैं। वे ऐसी फिल्में चुन रहे हैं जिनमें कहानी लीक से हटकर होती है। अब आयुष्मान खुराना का होना इस बात की गारंटी बन जाता है। इस फिल्म में भी उन्होंने बेहतरीन अभिनय किया है। शराब पीकर हंगामा करना, रेने की माँ से माफी मांगना, अकड़ दिखाने वाले दृश्यों में उनका अभिनय देखने लायक है। हेलो एवरीवन, इस वीडियो में आपके साथ बधाईयों फिल्म का फुल रिव्यू शेयर करने वाला हूँ। साथ ही आपको बताने वाला हूँ कि इस मूवी को आप कहाँ से और कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप भी इस मूवी को अपने फोन पर डाउनलोड करना चाहते हैं तो अगले 5 मिनट तक बने रहिए वीडियो में। दोस्तों, ये कहानी एक ऐसे दंपति की है जो एक बार फिर से माता पिता बनने वाले हैं। नकुल कौशिक यानी कि आयुष्मान खुराना की जिंदगी में तब भूचाल आ जाता है जब उसे पता चलता है कि उसके माता पिता फिर से पेरेंट्स बनने वाले हैं। और इसका असर नकुल की लव लाइफ पर भी पड़ता है क्योंकि उसका रोमांस रेना यानी कि सानिया मल्होत्रा से चल रहा है। रेने की माँ को जब यह बात पता चलती है तो वह नकुल के परिवार को ठीक नहीं समझती। साथ ही नकुल के परिवार को इस बात को लेकर शर्मिंदगी भी झेलनी पड़ती है। लोग मजाक बनाना शुरू कर देते हैं। इस फिल्म की कहानी लीक से हटकर है लेकिन मनोरंजन का भरपूर मसाला इसमें देखने को मिल जाएगा। फिल्म की शुरुआत धीमी है और रफ्तार तभी पकड़ती है जब नकुल के माता पिता इस बात की घोषणा करते हैं कि घर में नन्ना मेहमान आने वाला है। इसके बाद हास्य दृश्यों की झड़ी सी लग जाती है। फिल्म में केवल हास्य नहीं बल्कि इमोशन भी है। फिल्म में कई सब प्लॉट भी हैं और जरूरी नहीं है कि हर ट्रैक अच्छा ही हो। जैसे नकुल और रेने के रोमांस वाला ट्रैक कमजोर है लेकिन फिर भी हास्य और इमोशन का मिश्रण इस फिल्म में अच्छा लगता है। कई दृश्यों में आपकी हंसी छूट जाती है। इस फिल्म का डायरेक्शन अमित रविंद्रनाथ शर्मा ने किया है और इस फिल्म के कुछ दृश्यों में उनकी पकड़ छूटती है लेकिन ज्यादातर हिस्से में उनका नियंत्रण रहता है। उन्होंने कलाकारों से अच्छा काम लिया है जिसकी वजह से कहानी एकदम वास्तविक लगती है। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि इस मूवी को आप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो गाइस, इस मूवी को डाउनलोड करने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा या फिर आप टेलीग्राम चैनल को उसके नाम से सर्च कर सकते हैं जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने के लिए मिल जाएगा। इस मूवी का लिंक मैंने टेलीग्राम चैनल पर दिया हुआ है, आप वहां से आसानी से इस मूवी को डाउनलोड कर सकते हैं। फिल्म में आयुष्मान खुराना लगातार अपने अभिनय से चौंका रहे हैं। वे ऐसी फिल्में चुन रहे हैं जिनमें कहानी लीक से हटकर होती है। अब आयुष्मान खुराना का होना इस बात की गारंटी बन जाता है। इस फिल्म में भी उन्होंने बेहतरीन अभिनय किया है। शराब पीकर हंगामा करना, रेने की माँ से माफी मांगना, अकड़ दिखाने वाले दृश्यों में उनका अभिनय देखने लायक है।
हेलो एवरीवन, इस वीडियो में आपके साथ बधाईयों फिल्म का फुल रिव्यू शेयर करने वाला हूं। साथ ही आपको बताने वाला हूं कि इस मूवी को आप कहां से और कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप भी इस मूवी को अपने फोन पर डाउनलोड करना चाहते हैं तो अगले 5 मिनट तक बने रहिए वीडियो में। दोस्तों, ये कहानी एक ऐसे दंपति की है जो एक बार फिर से माता पिता बनने वाले हैं। नकुल कौशिक यानी कि आयुष्मान खुराना की जिंदगी में तब भूचाल आ जाता है जब उसे पता चलता है कि उसके माता पिता फिर से पेरेंट्स बनने वाले हैं। और इसका असर नकुल की लव लाइफ पर भी पड़ता है, क्योंकि उसका रोमांस रेना यानी कि सानिया मल्होत्रा से चल रहा है। रेने की माँ को जब यह बात पता चलती है तो वह नकुल के परिवार को ठीक नहीं समझती। साथ ही नकुल के परिवार को इस बात को लेकर शर्मिंदगी भी झेलनी पड़ती है। लोग मजाक बनाना शुरू कर देते हैं। इस फिल्म की कहानी लीक से हटकर है, लेकिन मनोरंजन का भरपूर मसाला इसमें देखने को मिल जाएगा। फिल्म की शुरुआत धीमी है और रफ्तार तभी पकड़ती है जब नकुल के माता पिता इस बात की घोषणा करती हैं कि घर में नन्ना मेहमान आने वाला है। इसके बाद हास्य दृश्यों की झड़ी सी लग जाती है। फिल्म में केवल हास्य नहीं बल्कि इमोशन भी है। फिल्म में कई सब प्लॉट भी हैं और जरूरी नहीं है कि हर ट्रैक अच्छा ही हो। जैसे नकुल और रेने के रोमांस वाला ट्रैक कमजोर है, लेकिन फिर भी हास्य और इमोशन का मिश्रण इस फिल्म में अच्छा लगता है। कई दृश्यों में आपकी हंसी छूट जाती है। इस फिल्म का डायरेक्शन अमित रविंद्रनाथ शर्मा ने किया है और इस फिल्म के कुछ दृश्यों में उनकी पकड़ छूटती है, लेकिन ज्यादातर हिस्से में उनका नियंत्रण रहता है। उन्होंने कलाकारों से अच्छा काम लिया है जिसकी वजह से कहानी एकदम वास्तविक लगती है। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि इस मूवी को आप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो गाइस, इस मूवी को डाउनलोड करने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, या फिर आप टेलीग्राम चैनल को उसके नाम से सर्च कर सकते हैं जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने के लिए मिल जाएगा। इस मूवी का लिंक मैंने टेलीग्राम चैनल पर दिया हुआ है, आप वहां से आसानी से इस मूवी को डाउनलोड कर सकते हैं। फिल्म में आयुष्मान खुराना लगातार अपने अभिनय से चौंका रहे हैं। वे ऐसी फिल्में चुन रहे हैं जिनमें कहानी लीक से हटकर होती है। अब आयुष्मान खुराना का होना इस बात की गारंटी बन जाता है। इस फिल्म में भी उन्होंने बेहतरीन अभिनय किया है। शराब पीकर हंगामा करना, रेने की माँ से माफी मांगना, अकड़ दिखाने वाले दृश्यों में उनका अभिनय देखने लायक है। हेलो एवरीवन, इस वीडियो में आपके साथ बधाईयों फिल्म का फुल रिव्यू शेयर करने वाला हूँ। साथ ही आपको बताने वाला हूँ कि इस मूवी को आप कहाँ से और कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप भी इस मूवी को अपने फोन पर डाउनलोड करना चाहते हैं तो अगले 5 मिनट तक बने रहिए वीडियो में। दोस्तों, ये कहानी एक ऐसे दंपति की है जो एक बार फिर से माता पिता बनने वाले हैं। नकुल कौशिक यानी कि आयुष्मान खुराना की जिंदगी में तब भूचाल आ जाता है जब उसे पता चलता है कि उसके माता पिता फिर से पेरेंट्स बनने वाले हैं। और इसका असर नकुल की लव लाइफ पर भी पड़ता है, क्योंकि उसका रोमांस रेना यानी कि सानिया मल्होत्रा से चल रहा है। रेने की माँ को जब यह बात पता चलती है तो वह नकुल के परिवार को ठीक नहीं समझती। साथ ही नकुल के परिवार को इस बात को लेकर शर्मिंदगी भी झेलनी पड़ती है। लोग मजाक बनाना शुरू कर देते हैं। इस फिल्म की कहानी लीक से हटकर है, लेकिन मनोरंजन का भरपूर मसाला इसमें देखने को मिल जाएगा। फिल्म की शुरुआत धीमी है और रफ्तार तभी पकड़ती है जब नकुल के माता पिता इस बात की घोषणा करते हैं कि घर में नन्ना मेहमान आने वाला है। इसके बाद हास्य दृश्यों की झड़ी सी लग जाती है। फिल्म में केवल हास्य नहीं बल्कि इमोशन भी है। फिल्म में कई सब प्लॉट भी हैं और जरूरी नहीं है कि हर ट्रैक अच्छा ही हो। जैसे नकुल और रेने के रोमांस वाला ट्रैक कमजोर है, लेकिन फिर भी हास्य और इमोशन का मिश्रण इस फिल्म में अच्छा लगता है। कई दृश्यों में आपकी हंसी छूट जाती है। इस फिल्म का डायरेक्शन अमित रविंद्रनाथ शर्मा ने किया है और इस फिल्म के कुछ दृश्यों में उनकी पकड़ छूटती है, लेकिन ज्यादातर हिस्से में उनका नियंत्रण रहता है। उन्होंने कलाकारों से अच्छा काम लिया है जिसकी वजह से कहानी एकदम वास्तविक लगती है। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि इस मूवी को आप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो गाइस, इस मूवी को डाउनलोड करने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, या फिर आप टेलीग्राम चैनल को उसके नाम से सर्च कर सकते हैं जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने के लिए मिल जाएगा। इस मूवी का लिंक मैंने टेलीग्राम चैनल पर दिया हुआ है, आप वहां से आसानी से इस मूवी को डाउनलोड कर सकते हैं। फिल्म में आयुष्मान खुराना लगातार अपने अभिनय से चौंका रहे हैं। वे ऐसी फिल्में चुन रहे हैं जिनमें कहानी लीक से हटकर होती है। अब आयुष्मान खुराना का होना इस बात की गारंटी बन जाता है। इस फिल्म में भी उन्होंने बेहतरीन अभिनय किया है। शराब पीकर हंगामा करना, रेने की माँ से माफी मांगना, अकड़ दिखाने वाले दृश्यों में उनका अभिनय देखने लायक है।